बेटा आज की क्लास में पढ़ने वाले हो वेव के पढ़ने वाले हो wave. अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, वेव है क्या, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में पता हो चाहिए वेव है क्या, क्योंकि उससे के बाद में आगे बढ़ोगे ना भैया। तो कई बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, कई बच्चे बोलते हैं लहर, मजाक चल रहा है जीवन उनके। कई बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव कहते हैं अद्धा मार दो पानी में, है ना भाई। कई बच्चे अद्धा अद्धा पौआ अद्धा मीन व्हाट पौआ, गुड, जाके सर अभी पूछो सब पता है पौआ क्या होता है, जब पौए के अंदर का माल खाता हो जाता है वो वेव बनाता है उसकी बेटा। जब 250 ग्राम शरीर में उतरता है ना वेव जब बनती है, तो बॉडी में जो लहर आती है ना इसको वेव, लहर आ ली है, मजाक की बात है। ये देख रहो कह रही करंट लगता है तो एक वेव का निर्माण होता है, बच्ची बोलती है चलो मजाक सट के। बेटा अगर बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, तो वेव है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मैटर नहीं होगा, मैटर यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, मैटर आगे नहीं जाएगा, मोमेंटम भी ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आई मीन टू से हम कहना क्या चाहते हैं, नोटबंदी एग्जाम्पल कुछ दिन पहले भी दिया है याद है, नोटबंदी, अरे हुई थी नोटबंदी, बड़े बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी, लाइनें लगी थी, होता क्या है मान ले बेटा मैं इंसान हूँ, इंसानी हूँ मान ले, यही मुझे दो दो ठीक है बेटा, मैंने धक्का दिया आगे वाले को, चुलबुली थी ना अंदर ठीक है, अब आगे वाले को धक्का दिया मैं आ गया वापस, तो बेटा मैटर जो है अपनी लोकेशन वापस आया या नहीं आया, आया, पर मैंने आगे क्या ट्रांसफर कर दी है एनर्जी, ट्रांसफर क्या होगी एनर्जी, अरे अभी पर पार्टिकल और मैटर जो है वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, क्लियर बेटा। अब यहाँ पे दूर से हम देख रहे हैं उसने उसको धक्का दिया, बता अगला वाला आगे वाला को धक्का देगा वापस उधर आ जाएगा, उधर वाला उसको धक्का देगा, धीरे धीरे आगे क्या जा रहा है एनर्जी, क्या जा रही है एनर्जी, एनर्जी जा रही है। तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा ध्यान से देखना, जबकि सारे पार्टिकल तो अपनी जगह ही है, पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा अलग अजीब सा ऐसा कुछ ऐसा देखे, या फिर स्टेडियम कभी मैच देखा है क्रिकेट, तो वहां पे ग्राउंड में ऐसे खड़े खड़े होते हैं फिर ऐसे करके नीचे बैठ जाते हैं, वेव आगे चलती है दिखते हैं, अरे सारे इंसान तो अपनी जगह ही है, सारे इंसान सिर्फ खड़े हो रहे बैठ रहे, पर आगे कुछ जाता हुआ दिखता दिखता है ऐसे करके यूं दिखता होगा ध्यान से देखो, एकदम से उठ रहे हैं ऊपर बैठ रहे हैं उठ रहे बैठ रहे ऐसे दिखता है ना, अगर कभी मैच देखा है तो ऐसा लग रहा होगा आगे वो जा क्या रहा है, मैटर पार्टिकल नहीं, क्या जा रही है एनर्जी, क्या जा रही है। बहरहाल इतना ही नहीं बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होना, एनर्जी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मैटर ट्रांसफर वेव हो जाती है, क्या बन जाती है वेव, व्हाट इज अ वेव, डिस्टरबेंस, वेव क्या है डिस्टरबेंस, अरे भाई बेटा क्या है जिसकी वजह से क्या होता है डिस्टर्ब करने के बाद में आपकी एनर्जी और मोमेंटम क्या होती है एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, समझ रहे हो। अरे नोटबंदी वाला एग्जाम्पल याद रखो बस, एक इंसान को धक्का दिया तो आगे क्या जा रहा है एनर्जी, पार्टिकल क्या है वहीं का वहीं है, अरे आगे धक्का देके पार्टिकल पीछे आ जाता है ना भैया, तो उसने क्या दे दी एनर्जी, ड्यूटी इलास्टिसिटी वापस अपनी जगह आ गया, क्योंकि कोई भी बॉडी अनस्टेबल कंडीशन में रहना नहीं चाहती, वो क्या चाहती है स्टेबल में, तो अनस्टेबल है ना आगे की तरफ तो पीछे की तरफ है ना स्टेबल, तो आपने एनर्जी को आगे पहुंचा दिया, जो एनर्जी जा रही है यही आपकी क्या बनाती है वेव, यानी इस चीज को हमने वेव बोला है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इस चीज को क्या बोला है वेव। फॉर एग्जाम्पल और फील लो थोड़ा, बड़ा एक बात है कभी आपने चेन या फिर साइकिल की चेन उतार के बचपन में ऐसे ऐसे खूब करा होगा, कभी तो करा हो घर में यार बचपन में हमने तो खूब करा है भैया, तो करते हो आप एक पार्टिकल को ऐसे ऐसे करते हो टू एंड फ्रो, क्या करते हो यानी पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो है, पर सारे पार्टिकल और भी तो है चेन में, वो सारे पार्टिकल ऊपर नीचे आ रहे हैं, पर आप ध्यान से देखो आपको ऐसा लगेगा कुछ बाहर निकल रहा है, एक एंड से खुला रखो ऐसे सांप सांप बनता है और ऐसे लगेगा आगे जा रहा है, पर रियल में आगे कुछ जा रहा है क्या, नहीं, सारे पार्टिकल सिर्फ ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे, यानी पार्टिकल तो अपनी जगह आगे पीछे हो रहे हैं अपनी जगह, पर आगे जाती क्या एनर्जी, वाइब्रेशन, क्या जाते हैं वाइब्रेशन। मैं आपको बोल रहा हूं आप तक मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही, जा रही है कैसे, मैंने यहां बोला बेटा यहां पे एयर पार्टिकल है, यहां पे क्या है एयर पार्टिकल, तो मेरे जस्ट यहां पे जो एयर पार्टिकल होंगे मैंने उनको डिस्टर्ब करा, मैंने उनको एनर्जी दी, क्या दी थी? अब यहां पे मान लो एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, बहुत सारी लेयर है हवा में, है ना भाई, आपके कान के पास भी यहां पे हवा में लेयर होंगी, होंगी नहीं होंगी, तो जब मैं बोल रहा हूं ऐसे करके तो यहां के पार्टिकल को मैं क्या कर रहा हूं धक्का दे रहा हूं, एक एनर्जी दे रहा हूं, अब इसके अगले वाले को क्या होता है धक्का देते हैं, अरे हां ना बोलो भाई, और वाले अपनी वापस जगह आ जाते हैं, ये क्या करेंगे उसको आगे वाले को एनर्जी देंगे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे एनर्जी क्या ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है, तो ये एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है इसी को वेव बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं वेव, कोई वेव ये नहीं है, गलत दिमाग में आएगा ये ऐसे वेव होते ना, ना 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 ये तो आप बनाते हो ड्रॉ करने का पैटर्न है, व्हाट इज वेव, एनर्जी ट्रांसफर होना, एनर्जी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वेव बन रही है, किस तरीके की वेव होगी वो अलग बात है, लॉन्गिट्यूडनल होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव पड़ोगे सब अलग बात है, अभी सिर्फ कोई पूछे अगर बात करो तो एयर पार्टिकल यहाँ पे है नहीं, दिमाग लगा के बोलो, तो जब मैं बोलता हूं तो होता क्या है जो भी यहाँ पे मान लो पतली सी यहाँ पे लेयर मान लो एयर की एक दो तीन खांचे मान लो, तो यहाँ पे एयर के बहुत सारे पार्टिकल होंगे,
उस पारे साड़ी का पड़े हिल रहे, वाइब्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, हो रहा है। तो वाइब्रेट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हमने एनर्जी दी है। क्या दी है? एनर्जी। मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी उनमें, यहां से धक्का दे दिया, पुश कर दिया, तो एनर्जी लेके क्या करेगा? बगल वाले को एनर्जी दे देगा अपनी, अरे हाँ भाई, बगल वाले को हिला देगा, तो वापस क्या आएगा? स्टेबल। बेटा एयर हैज इलास्टिसिटी, एयर हैज भाई इलास्टिसिटी है एयर में, वो क्या है, अगर अनस्टेबल हुए तो वापस क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके कान तक मेरी आवाज पहुंचती है। तो मैं तो नहीं गया आपके कान में, क्या गई? एनर्जी। क्या गई? तो ये वेव है, साउंड वेव सुना नहीं कभी? क्या साउंड वेव? क्या होता है? वेव। तो बेटा एनर्जी जा रही है ना, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कब गई? जब मैंने पार्टिकल को डिस्टर्ब करा। अगर पार्टिकल को डिस्टर्ब करता ही नहीं तो एनर्जी जाती क्या? नहीं नहीं। यानी पहला काम तो ये, पार्टिकल को हिलाना पड़ेगा, पार्टिकल को हिलाना पड़ेगा, यानी डिस्टर्ब तो करना पड़ेगा। उसके डिस्टर्ब करने की वजह से क्या प्रोपगेट हो रही है? एनर्जी और मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। पर मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर वापस वहीं आ जाता है जहां पे गया था। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये ऐसे एक है, इसने इसको धक्का दे दिया वापस। अरे केचुआ देखा कभी? अरे सर्दी में काले काले निकलते हैं जमीन से केचुआ, लंबा सा होता है, चूची जैसा चुक 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 करता रहता है। अब कछुआ केचुआ क्या होता है? कछुआ नहीं, केचुआ। केचुआ देखा, काला सा होता है, देखो। हिंदी कितनी अच्छी लग रही है, केचुआ कितना अच्छा लग रहा है, केचुआ। कोई नहीं बेटा, हिंदी में अच्छा लगा है, समझा? काला काला कीड़ा होता है, जमीन से निकलता है गुजी गुजी करके। उसे कभी चलता हुआ देखा तुमने? कैसे चलता है बेटा? पीले बेटा, कोई नहीं, गोरा होता है, फिर काला नहीं होता, गोरा होता, सफेद होता, दूध जैसा। बेटा मान ले इसकी मुंडी है, मान ले बेटा, अगर इसे कभी बढ़ते हुए देखोगे ना केचुए को, तो पहले एक जगह से पूछ सकेगा, मुंडी वही रहेगी, मुंडी। हाँ, पहले एक दिन कंप्रेशन होगा, पास पास सुकड़ जाएगा एक जगह, होता है, पहले सुकड़ेगा फिर फैलेगा, फिर सुकड़ेगा फिर ऐसा हवा भर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्नेक नहीं, ऐसे नहीं करता। हाँ तो एक गुजी, हाँ बिल्कुल, तो गुजी करके सुकड़ा, फिर आगे गया फैला, फिर सुकड़ा फिर फैला, फिर सुकड़ा, ऐसे बढ़ता आगे, रेंगता है ना, घसीटता है, घसीटता है। तो कैसे होता है? पहले कम होता है, फिर फैलता है, फिर कम होता है, फिर फैलता है। अबे बचपन में देखा होगा यार, देखा है ना। बहरहाल बाद में, एक बार कंप्रेशन, एक बार रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, पास आने इसको कंप्रेशन, दूर जाने इसको रेयरफैक्शन, यानी एक बार लेयर पास में, एक बार दूर में। बहरहाल इससे बस बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ पास में बता। सांप देखा? सांप तो ऐसे चलता है। बहरहाल ये भी चल रहा था, वो भी चल रहा था, चलने के तरीके अलग अलग है, चलने के तरीके। बहरहाल देखो कि दोनों वेव को भी अलग अलग तरीके बोलते हैं। अगर केचू को देखे तो अलग तरीके की वेव है, सांप को देखे तो अलग तरीके की वेव बनाएगा, ठीक है, दोनों अलग तरीके की होंगी, ठीक है, पर बनेंगी दोनों में वेव, बनेंगी दोनों में ही वेव। हाँ ना बोलो, वेव उसमें बनेगी, वेव इसमें, क्योंकि जब सांप चलता है या फिर कोई भी आप रस्सा लो, रस्से को ऐसे ऐसे करके करो, तो आपको लगेगा आगे कुछ जा रहे, पर रियल में कुछ जा, अरे सारे पार्टिकल भी यहां पे, रस्सा है, रस्से को ऐसे उठाएगा तो यहां का पार्टिकल ऊपर, उसके आगे पार्टिकल ऊपर, अरे भाई पार्टिकल तो अप एंड डाउन यानी टू एंड फ्रो कर रहे, पर आगे जब भी क्या लग रहा, कुछ जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे लगेगा ना कुछ जा रहे हैं करके, लगता है ना भैया। कभी चेन को यूं करके करो, आपको लगेगा यूं करके कुछ तो जा रहा है, रियल में कुछ जा, वो दिख रहा है क्या? वो दिख क्या रहा है? वो एनर्जी है, क्या है? एनर्जी, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर हो, मैटर ट्रांसफर नाउ, इसे क्या बोलते हैं? वेव। तो कोई तुमसे पूछे जीवन में व्हाट इज वेव? एनर्जी का ट्रांसफर होना बिना मैटर के, बिना मैटर के। मैटर अगर हिला भी तो वापस अपनी जगह आ जाना चाहिए। हाँ ना बोलो, मैटर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्या ट्रांसफर होना चाहिए? एनर्जी। बड़े इसे एनर्जी कब ट्रांसफर होगी? जब हम किसी चीज को हिलाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, है ना। तो व्हाट इज वेव? वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोपेगेट द एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, है ना, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये वेव है। ये क्या है? वेव। नोटबंदी का एग्जांपल ये याद रखोगे एक, ठीक है। और दूसरा मेरे हिसाब से साउंड वेव एक बेहतरीन एग्जांपल है समझने के लिए, क्योंकि हम जब हिलाते हैं तो क्या है, डिस्टर्ब करते हैं पार्टिकल को, एनर्जी आगे जाती है। समझा रहे हो? बहरहाल अगर वेव की बात करें तो बेटा वेव को भी आपको डिवाइड करा, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, वेव को डिवाइड करा, पता लग गया वेव क्या होती है लाली? बेटा इसके वेव क्या है? दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है नॉन मैकेनिकल। क्या होती है? नॉन मैकेनिकल। कोई पूछे आप लोगों से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, वीडियो ऑन है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव? बेटा छोटी क्लास में पढ़ा है, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। ये तो छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, साउंड एक चैप्टर हुआ करता था छोटी क्लास में, याद आप लोगों को, है ना, पढ़ते थे हम, मून पे सुनाई नहीं देगा, ऐसे पढ़ते थे ना, स्पेस में हमें सुनाई नहीं, बात नहीं कर पाएंगे, छोटी क्लास में पढ़ा था, वहां साउंड वाउंड पढ़ा था, घंटी का एक एक्सपेरिमेंट था बैल वाला गुजी गुजी करके, है ना, गुड। एट क्लास में होगा साउंड, नाइन्थ में भी था, नाइन्थ में था, चलो दोनों में था, मौज उड़ाओ, गुड गुड, एंजॉय करो।
बेटा मैकेनिकल वेव क्या है? बेटा वो वेव जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उन्हें मैकेनिकल वेव बोलते हैं, यानी द वेव विच रिक्वायर्ड द मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, फॉर देयर प्रोपेगेशन, यानी अगर उसे प्रोपेगेट कर रहे हैं आगे बढ़ने आगे जाने तो मीडियम की जरूरत होगी, यानी बिना मीडियम के आगे नहीं बढ़ेगी। उन तरीके को वेव को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। इनको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव? जिन वेव को आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है? मीडियम। बताओ बेटा मीडियम मतलब क्या है? मैं साउंड आवाज में बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं ये वेव जो है वेव क्रिएट हो रही होगी, आपके कान तक मेरी एनर्जी आ रही है नहीं आ रही? आ रही है, क्योंकि यहां पे एयर पार्टिकल है, यहां पे क्या है? एयर पार्टिकल। क्योंकि एनर्जी कब ट्रांसफर होगी? जब बेटा यहां पार्टिकल होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, वो अगले बगल वाले को करेंगे, वो बगल वाले को करेंगे, वो आगे वाले को करेंगे, तभी तो एनर्जी जा पाएगी, क्योंकि मैटर तो जाएगा नहीं, पर स्पेस में तो पार्टिकल ही नहीं है तो मैं डिस्टर्ब किसको करूं? ऐसा तो नहीं हमने साइड में एक लड़का बेटा थप्पड़ थप्पड़ मारने लगा उसके, है भाई क्या कैसे आएगी आवाज, समझ रहे हो क्या? अरे पार्टिकल तो उनसे डिस्टर्ब करने के लिए है। तो मैं बोलू बोल रहा हूँ, मुंह फाड़ रहा हूँ, आओ आला वैलेंटाइन डे भला ठिकाने दे रहा, सब कुछ बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहा हूँ जो लोग चाहते हैं। अब भाई पार्टिकल डिस्टर्ब ही नहीं हो रहे, वहाँ पार्टिकल ही नहीं है ना, क्योंकि जब मैं बोलूंगा तो आगे वाले पार्टिकल कौन चाहिए? हिलने चाहिए, डिस्टर्ब होनी चाहिए, तब वो डिस्टर्ब होंगे तो बगल वाले को करेंगे डिस्टर्ब करेंगे, तभी तो एनर्जी आएगी आगे, तो एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही क्योंकि पाती नहीं है उसके लिए, वहाँ वैक्यूम है, वहाँ क्या है? वैक्यूम। तो कहने का मीन्स क्या? मैकेनिकल वेव क्या? मैकेनिकल वो वेव होती है जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। पानी की बात कर लो, पानी में पार्टिकल है तो पानी में साउंड वेव आगे बढ़ सकती है। अरे हाँ भाई, क्योंकि पानी में पार्टिकल तो है ना, भाई पानी में यहाँ पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल, बल्कि पानी में तो ज्यादा अच्छी और बढ़ेगी साउंड वेव, पता है क्यों? पानी में और ज्यादा पार्टिकल पास पास है, सॉलिड में तो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत पास है, जितना पास उतना अच्छा, जितना दूर उतना बेकार। अब बिल्कुल खत्म कर दोगे तो बढ़ेगी नहीं आगे, समझ रहे हो? इसलिए वेलोसिटी ऑफ द साउंड आपको सॉलिड में सुना होगा बहुत ज्यादा होती है, ट्रेन आ रही है कभी पटरी पे कान लगाओ दूर दूर तक पता लग जाएगा आ रही होगी, चुन चुन आवाज आने लगती ना, कभी देखा होगा दूर से आने लगता है क्योंकि सॉलिड की बात हो रही है, बड़ी तेजी से फ्लो करता है, ठीक है? मेट्रो में फील करिए ना बहुत, हमने नॉर्मल ट्रेन में फील करिए, हम गरीब इंसान है ना, मेट्रो में बैठने के पैसे नहीं है। कैसी होती मेट्रो? गुड, तो यही मैं बता रहा हूँ, हाँ यही मैं बता रहा हूँ कि हमें ही पता है मेट्रो, हम दिल्ली में ही पैदा हुए हैं और दिल्ली में ही बढ़े हैं, बढ़े आगे। गुड 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 गुड, हाँ भाई बेटा आगे क्या करते हैं? मैकेनिकल वेव क्या बोल रहे हैं? अब फील लीजिए पार्टिकल की बात हो रही है, बेटा पानी में अगर आप क्या है बात करो तो पानी में एक पार्टिकल ही है, एक पार्टिकल ही है, अगर आप इस वाले पार्टिकल को क्या है डिस्टर्ब कर दो, हाँ ना भैया, तो बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी दे देगा अपनी। अगर पानी में देखो कि पानी में वेव बनती, क्या बनती है? वेव। रियल में पानी आगे नहीं आ रहा, आपका एंड खुला हो तो अलग बात है, वो एंड वाले पार्टिकल फ्लो कर जाएंगे, तो एंड वाले जब समुद्र में एंड में जाते हो एंड में आके वेव खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ मैटर मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? मैटर। पर अंदर क्या है? वेव बनती है, क्या बनती है? वेव, हाँ ना भैया। फिर लो पानी का ध्यान से देखोगे तो पानी के पार्टिकल ऊपर और नीचे हो रहे, ऊपर और नीचे, तो एक वेव का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? वेव का। बहरहाल अगर बात करें, आजा लाली जल्दी बैठ जा बेटा, गेट बंद करो बेटा, और थोड़ा और जाए मैकेनिकल वेव में, तो ये पार्टिकल इसने इसको दिया एनर्जी, क्या दिए? और ये पानी के पार्टिकल एनर्जी देने के बाद वापस अपनी जगह आ जाते हैं, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? बड़ा धीरे धीरे आगे ट्रांसफर क्या हो रही है? एनर्जी। बंद कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा आगे ट्रांसफर क्या हो रही है? एनर्जी। यानी एनर्जी के ट्रांसफर होने की वजह से क्या बनती है? वेव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें नहीं आया भाई। यानी पार्टिकल का मोशन कैसा होना चाहिए? टू एंड फ्रो। बहरहाल टू एंड फ्रो मतलब अपर ऊपर, पर बैक भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है? ऊपर नीचे भी हो सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है, यानी मीन पोजीशन के अराउंड ही घूमना चाहिए पार्टिकल, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। बहरहाल स्टेडियम में देखो, स्टेडियम में क्या होता है? इंसान खड़ा होता है फिर बैठता है, खड़े होते बहुत सारे इंसान बैठेंगे और बहुत सारे इंसान खड़े होंगे तो क्या लगेगा? एक वेव लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे पूरे स्टेडियम में लोग बैठ रहे होते, खड़े हो रहे थे, तो ऐसा लगता है कि वेव बन रही है। क्या बन रही है? वेव। यानी कुछ ट्रांसफर हो रहा है, दिखता है ना एकदम से, ऐसा लगेगा पैटर्न में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, बहरहाल ट्रांसफर तो कुछ भी नहीं हो रहा यार। खुद सोचो, इकलौता एक इंसान बैठा, एक इंसान खड़ा हो गया, जब भी आपको कुछ देखने को मिल रहा है वो है क्या? वेव, वो एनर्जी है जो आपको दिख रही है, समझ में आ रहा हूँ? बट आप बैठे खड़े हुए, आराम से बैठ के खड़े हो गए, पर जब भी आपको कुछ देखने को मिल रहा हो, देखने को जो मिल रहा है वो क्या है? एनर्जी दिख रहा है ना भाई, वो कुछ तो दिख रहा है, वेव दिख रही है, उसी का नाम वेव लॉ है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्टेडियम में यार कभी तो देखा होगा टीवी पे, ऐसा मत करो यार, कभी स्पोर्ट्स देखे नहीं? देखे देखे है ना कभी? गुड। बहरहाल और भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये बेसिक था, ये क्या था? बेसिक वेव। बेटा मैकेनिकल वेव की बात करें तो दोबारा बताओ, तो मैकेनिकल वेव को क्या जरूरत होती है? बेटा मीडियम की जरूरत है, बेटा मीडियम के आगे, अगर साउंड वेव की बात करें स्पेस में फ्लो करता है, क्यों? मीडियम नहीं, यानी साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होगी बेटा। बहरहाल मैं उसमें डिवाइड करूंगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, पर दोनों आती तो मैकेनिकल वेव के अंदर ही है। मैकेनिकल वेव के अंदर दो होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स,
और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आएगी आपकी अलग, और ट्रांसवर्स के आएगी अंदर। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आती है साउंड वेव, क्या आती है? पर दोनों किसके अंदर आती है? मैकेनिकल वेव के अंदर। तो अभी मैं कहने की जरूरत क्या आ रहा हूं, बिल्कुल भाई, साउंड को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत है, तो एक मैकेनिकल वेव है, पर वो किसके अंदर आ रही है? लॉन्गिट्यूडनल। कहने के बाद सिर्फ इतना है, कोई पूछे साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, आप कहोगे यस। आप क्या कहोगे? यस, क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और जिसको भी आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, उसे मैकेनिकल वेव के अंदर आने वाली है। नहीं आया तो ये भाई, आप स्पेस में बोल सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आप बोल ही पाते हो, साउंड वेव स्पेस में नहीं चल रही, क्योंकि उसको क्या चाहिए? मीडियम। समझ रहे? अरे नहीं आया तुम्हें, इसलिए वहां पर कौन सी वेव का यूज करते हैं? रेडियो वेव। क्या यूज करते हैं? रेडियो। कभी सुना भर भर की आवाज आती है, कभी मूवी में देखो रेडियो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि रेडियो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। यानी वेव को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल वेव, जिनको मीडियम की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मैकेनिकल, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड क्या? मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। यानी जिनको प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, उनको क्या बोला गया है आपका? नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW, BMW नहीं, EMW। क्या है? EMW, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहरहाल जब आप 12th क्लास में आओगे तो चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो टर्म पढ़ रहे हो ना, चैप्टर का नाम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में ही पढ़ते हैं, पर बहरहाल यहाँ पे सिर्फ बताया गया है नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेडियो वेव, रेडियो के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। स्पेस में भी रेडियो वेव चल रही है, यहाँ भी रेडियो वेव चल रही है। लाइट, विजिबल लाइट, बड़ा तारे हैं, वैक्यूम से आती है और हमारी अर्थ पर भी चल रही है। यानी वैक्यूम में भी चलेगी और मीडियम में भी चलेगी। एक्सरे, गामा रे, इंफ्रारे, विजिबल, यूवी, सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या आता है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कंबाइन इफेक्ट देता है। ठीक है, यहाँ फोटोन्स की बात होने लगती है। ठीक है, वो सब आप पढ़ोगे 12th क्लास में। किस वजह? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होते हैं, इन दोनों कंबाइन इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहां 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। समझ गए? अभी 11th में क्लास में क्या है आपका? वेव और मैकेनिकल वेव के अंदर पढ़ना है। नॉन मैकेनिकल वेव को कहां पढ़ना है? 12th क्लास में, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। पर बहरहाल कोई पूछ भी ले कि वेव कितने पार्ट में डिवाइड है? दो। बहरहाल रियल में दो भी नहीं यार, तीन होती है। ठीक है, दो भी क्यों बोल रहे हैं? तीन होती है रियल में, और डीप जाए तो। पर वही है, ऊपर ऊपर पढ़ते हैं तो दो बोलते हैं लोग। बहरहाल तीसरे में मैटर वेव भी होती है। क्या होती है? जहां पढ़ते हो, ठीक है, डी ब्रोगली के बारे में मेरी एक वीडियो देखी होगी, डी ब्रोगली का इतिहास सुना होगा ना, पार्टिकल का ड्यूलेचर होता है, पार्टिकल का ड्यूलेचर होता है। वहां पे भी कोई पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल, उसके साथ जब भी कोई स्मॉल पार्टिकल मूव करता है ना, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। क्या एसोसिएट होती है? वेव। बट उसकी वेव की वेवलेंथ होती है, उसे बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? यानी स्मॉल लेवल पे जाके देखें तो कोई पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन, कोई छोटा पार्टिकल, कोई भी अगर छोटे से छोटा पार्टिकल मूव कर रहा है, बहरहाल तो कोई भी स्मॉल पार्टिकल मूविंग पार्टिकल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मूविंग पार्टिकल। अगर कोई छोटा सा पार्टिकल मूव भी कर रहा है ना, तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होती है, उस वेव की कुछ वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ का नाम क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि आप ड्यूल नेचर में जाके पढ़ोगे क्लास 12th में, और मेरी वीडियो भी पढ़ी है डी ब्रोगली का इतिहास। ये तीसरी तरीके की वेव होती है, मैटर वेव। क्या होती है? मैटर वेव। और आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं बताया गया इसके बारे में, यानी सीधे सीधे लोगों को पढ़ाया था। वेव क्या है? दो। पहला क्या है? मैकेनिकल। दूसरा क्या है? नॉन मैकेनिकल। पर रियल में तीन होती है। कितनी होती है? तीन। ये बात याद रखिएगा, अगर कोई इंसान आपको दो कह रहा है तो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा आपको, क्योंकि होती कितनी है? तीन, क्योंकि मैटर वेव भी होती है, हाँ ना भैया। बहरहाल मैटर वेव को पढ़ना नहीं है, वो अलग बात है, पर होती है ये पता होना चाहिए। क्लियर? हमें पढ़नी क्या है? मैकेनिकल वेव के अंदर ही आना है, तो नॉन मैकेनिकल भी नहीं पढ़नी, सिर्फ क्या पढ़ना है? मैकेनिकल। 11th क्लास की बात करें तो बेटा वापस बोलो, वेव आगे क्या होती है? बेटा वेव क्या? डिस्टर्बेंस की वजह से आती है क्या? ट्रांसफर एनर्जी हो रही है नहीं हो रही? बेटा मैटर ट्रांसफर होगा ही नहीं होगा? मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। बेटा वेव को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कराए? तीन। सच्चाई बोलोगे, पढ़ना अलग बात है, पर कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर? तीन। पहला क्या होगा? दूसरा मैटर वेव। तीसरी मैटर वेव होती है। बड़ा बात करें मैटर वेव की, तो मैटर वेव कहां पढ़ने वाले हो? 12th क्लास में। बात करें नॉन मैकेनिकल की, वो भी कहां पढ़ने वाले हो? 12th क्लास में। 11th क्लास में क्या पढ़ना है? मैकेनिकल वेव। क्लियर? क्या मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव उन वेव को बोलते हैं जिनको मीडियम की जरूरत होती है, नॉन मैकेनिकल को मीडियम की जरूरत नहीं होती। और मैटर वेव क्या पढ़ना है? जैसे कि स्मॉल पार्टिकल हो गए, अगर वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन लो, उनके साथ में एक वेव एसोसिएट होती है, उसकी कुछ वेव लगती है। बहरहाल ये ड्यूल नेचर पढ़ने वाले हो, बहरहाल मेरी वीडियो बढ़िया जाके देखिए। पहले तो ये पता चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूल नेचर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो ये बताएं बड़ा, अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, यानी नॉन मैकेनिकल वेव, तो नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है बड़ा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी? रेडियो वेव होती है। क्या होती है? रेडियो वेव। यूवी रे होती है, एक्सरे होती है, गामा रे होती है, विजिबल लाइट होती है, इन्फ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है। विजिबल लाइट वो आती है, तुम सुनते हो VIBGUR, सब उसी में आती है ना भैया? यूवी बोल दिया बेटा, अल्ट्रावायलेट, है ना भैया? तो ये सब होती है, माइक्रोवेव, एक्सरे, इन्फ्रा, विजिबल, ये सब आ गया इसमें। बात करें रेडियो वेव, रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, गामा रे की सबसे कम होती है।
वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रे की। और सब भाई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली होती है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली होती है। तो मैं ये कह रहा हूं वेवलेंथ जो है रेडियो की सबसे ज्यादा, अब वेवलेंथ जो है गामा की सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी? गामा की। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी? रेडियो की। रेडियो क्या उल्टा होता है ना भाई। बहरहाल जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लाइन किसकी ज्यादा किसकी कम, ये कब होता है? 12th क्लास, क्योंकि नॉन मैकेनिकल की बात हो रही है ना। बहरहाल थोड़ा तो बताना चाहिए, देखो आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सब आगे आएंगे कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा किसकी कम, क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सब आता है। आगे है क्या बड़ा दोबारा? नॉन मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है इनको मीटिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है, प्रोपगेशन के लिए कोई भी जरूरत नहीं होती। उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। एग्जांपल कोई पूछे, एग्जांपल क्या है? कोई बोल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडियो वेव, इंफ्रारे, एक्सरे, माइक्रो, कुछ भी बोल दो, एक लिख दो। कोई पूछे मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या? आप बोलो साउंड वेव। क्या है? साउंड वेव। बहरहाल मैकेनिकल में तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है। गिटार प्ले करा भाई, गिटार करते डूंग डूंग डूंग, स्पेस में आकर गिटार बजा, बजेगा ही नहीं। अरे है ना भैया, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैकेनिकल के तो भरमार एग्जांपल है जिनको मीडियम की जरूरत हो, जिनको मीडियम की जरूरत हो वो सारी वेव किसमें आएंगी? मैकेनिकल में। तो पहली बात वेव आ गया, क्या कितना आराम से बोल दिया था, लहर है, तो वो ओवर चढ़ा दिया, डांस कर लिया, लहर मार ली है, डीजे पे चढ़ गए, हो गया गाना मस्त, डीजे पे चढ़ेगा और कहाँ चढ़ना है, और भी कहीं चढ़ा जाता क्या भाई? घोड़ी पे क्या? माउंटेन, बेटा ध्यान से बोलो, माउंटेन बेटा, माउंटेन से तो गिर जाएगा, पेड़ पे चढ़ा रहा है, देख लो बजा ले भाई, नहीं कुछ नहीं बोले भाई, नहीं बजेगा भैया, बेटा नहीं बजेगा, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं नहीं बजने वाला अभी, ठीक है, नहीं सुनाई देगा तेरा कुछ भी, गुजी गुजी हो जाएगा तेरा वहाँ पे सब कुछ। अरे बेटा बहुत पढ़ना है उसके लिए भी तुम्हें, ठीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझ रहा है, नहीं बजेगा, नहीं सुनाई देगा, सुनाई देता तो फिर चलो वहाँ पे बस्ती बजाते, ठीक है, तू पहला इंसान, ठीक है, और दूसरा अपने साथ किसी को ले जाओ, नहीं होगा बेटे। अभी मैं स्पेस फिजिक्स की बात करने के मूड में हूं, डार्क एनर्जी की बात करने लगा यार लगा, फिर मैं बात कर लूंगा, फिर डेढ़ घंटे, एक दिन मैं बात करती थी, मेरे को याद है पूरी डेढ़ घंटे क्लास की डेस और डेस हो गई थी पूरे, मैं फिर उसी के बारे में बताता रहा, तो अभी नहीं, मजा बहुत आया था ना, फ्री टाइम में बात कर लेंगे, ठीक है, अभी नहीं यार, समझा करो यार, बेचारे बच्चों के एग्जाम है यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। हाँ, तो मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव आगे, बेटा वेव भी आ गई है, मैकेनिकल भी आ गया, नॉन मैकेनिकल भी आ गया, पर वेव को भी आगे जाएंगे, मैकेनिकल को भी डिवाइड करेगा दो कैटेगरी में। मैकेनिकल वेव भी दो टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है? दो। मैकेनिकल, आई रिपीट मैकेनिकल, अब आपको मैकेनिकल में ही आगे बढ़ना है क्योंकि आप 11th क्लास में, अगर आप 12th क्लास में होते तो नॉन मैकेनिकल में आगे बढ़ रहे होते, ठीक है, और आप उससे आगे होते तो आप मैटर वेव भी पढ़ रहे होते। बहरहाल मैटर वेव तो हम 12th में पढ़ेंगे, पर अब सुनो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या बोल रहे हैं, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। क्या होती है? एग्जाम में कई बार दो मार्क्स में डिफरेंस आता है बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव की, सिंपल डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, तो आपको डिफरेंस बताना होता है बेसिक। बेटा पहले बात करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, किसी को पता है पूरी क्लास में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स वेव? एनीमन सांप वाला बड़े, ये दिख रहा है, देखो सिंपल लैंग्वेज में बात करूं क्या बड़े, एक बना लो सांप, यानी रस्ता जिम में जो यूज करते हैं ऊपर नीचे जाता है ना भैया, एक बना लिया सांप यानी रस्ता, एक बना लिया केंचुआ, क्या बना लिया? केंचुआ। बड़े ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और एक है ट्रांसवर्स, बात खत्म, बात मेरा इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, ठीक है बड़े, एक क्या है लॉन्गिट्यूडनल, एक क्या है ट्रांसवर्स, पर इसको फील लेना पड़ेगा, एक एक पार्टिकल क्या है पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका यहाँ पे, क्योंकि ये वेव तो दो मिनट में समझ में आ जाएगी। बेटा ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या है? अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो बेटा वेव मीन्स क्या, पार्टिकल तो पहली बात आनी चाहिए, पार्टिकल आना चाहिए क्योंकि मैकेनिकल के अंदर है ना, पार्टिकल की बात होगी, मीडियम की बात होगी, पार्टिकल है तो क्या है एनर्जी ट्रांसफर करना चाहिए, सारी बात होनी चाहिए। कभी आपने ये देखा है कि स्पीकर बजता है धूम धूम करके बीट आती है, तो स्पीकर बजता है तो एकदम भाई पीछे से पहले लगाते हो, ऑन ऑन करते हो, तो अपने आगे वाले एयर पार्टिकल को धक्का देता है, देता है ना भैया, तो यहाँ मान लो एयर पार्टिकल और यहाँ पे क्या है मुंह है इसका, किसका? स्पीकर का। इसने इन्हें क्या एनर्जी दी, क्या दी एनर्जी, धक्का दिया एक, बड़े इन पार्टिकल पे क्या हिले, वाइब्रेट हुए, इसने वाइब्रेशन क्रिएट करी, इसको धक्का दिया, धक्का दिया, इसके आगे भी क्या होंगे पार्टिकल होंगे, तो ये अलग क्या करेंगे, ये इसके पास जाएंगे, क्या जाएंगे? पास जाएंगे, तो कंप्रेशन होगा ही नहीं होगा, जब ये पास जाएंगे कंप्रेशन होगा, तो ये अपनी एनर्जी इसको धक्का थोड़ा शिफ्ट कर देगा इसको, फिर क्या होगा वापस आएगा, फिर रेयर फ्रिक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, यानी पास आएगा तो प्रेशर ज्यादा,
पार्टिकल पास आए, प्रेशर ज्यादा। अच्छा ये वाला शिफ्ट होगा आगे, क्योंकि जब भी पीछे से धक्का लगाएगा तो ये एनर्जी इसको देगा, या ले किसके आगे एक और ले और वो उसके पास जाएगा, तो लगातार कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन होगा। कछुए भी तो ऐसे होता है, पहले ऐसे होता है फिर ऐसे होता है फिर ऐसे होता है फिर ऐसे होता है। कंप्रेशन मतलब पास आना और रियर फ्रैक्शन मीन्स दूर जाना। बड़ा जब कंप्रेशन होता है चीजों का तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा, और जब रेयर फ्रैक्शन होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। पहली बात ये होनी चाहिए, यानी कंप्रेशन के टाइम में प्रेशर क्या होगा ज्यादा और रेयर फ्रैक्शन के टाइम में क्या होगा कम। अच्छा एक बात बताएं, जब यहां पे क्या है मान लो एयर के पार्टिकल है, यहां पे क्या स्पीकर है, बड़े स्पीकर ऐसे बजा तो यहां से पार्टिकल ऐसे हिट करा, इसने एनर्जी दी इसको, तो ये बताओ ये एनर्जी का क्या हुआ, इस वाले ने क्या करा पार्टिकल आगे शिफ्ट हुए, भाई धक्के थोड़े जाएंगे ना आगे, थोड़ा जाके उन्हें हिलाएंगे तो ये आगे जा रहे हैं, बता एनर्जी भी इधर ही आ रही है पार्टिकल भी इधर ही आ रहे हैं, तो पार्टिकल एनर्जी पैरेलल है एंटी पैरेलल है, रिपीट पैरेलल एंटी पैरेलल है, फील है बेटा, फील है बड़ा, ये पार्टिकल है ये एक लेयर है, ये ऐसे गया इसने इसको हिट करा, पार्टिकल आगे गया है ना, एनर्जी भी तो दोनों पैरेलल है ना आपस में, तो जब पार्टिकल और एनर्जी आपस में पैरेलल हो तो कौन सी कहलाती है, यानी पार्टिकल ऑस्किलेट पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, पैरेलल टू द पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। बहरहाल लॉन्गिट्यूडनल वेव दो होती है, फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और कंप्रेशन मींस पास आना और रेयरफैक्शन मींस दूर आना। बहरहाल इसके अंदर बहुत ज्यादा चीज देखोगे भी फील करो बड़े, एक होगा केचुआ, क्या हो गया पास आना दूर आना थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अरे हाँ तो बोल रहे। बहरहाल कभी आप देखोगे तो कभी मान लो कैसे बताऊं, ये तीन चार लड़के यहाँ पे, तो कुछ भी अंगड़ाई कभी लिया जीवन में, मैं भी अंगड़ाई ही ले देता हूँ, कभी तो ले होगी अंगड़ाई अंगड़ाई तो, समझ रहे हो ना, तो जब उबासी लेते अभी मतलब भैया, तो कभी अंगड़ाई अंगड़ाई लेते हो, मान लो मेरे बालक यहाँ पे, यहाँ 50-60 बालक, यहाँ 50-60 बालक छोटे 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 छोटे, देखिए मेरा अंगड़ाई लेने का मन कर गया, ठीक है, और ये एक यहाँ यहाँ भरे बड़े मेरे बालक, ठीक है, बहुत सारे यहाँ चिपके बड़े, दो यहाँ से लटके बड़े, एक ने यहाँ पे लात टांग रखी, एक ने पीछे साइड में से बालकों को लटकाते हैं ऐसे, कोई यहाँ लटका पड़ा, कोई यहाँ लटका, मतलब सब, एक पीछे से लटका पड़ा है, सब लटके पड़े हैं, फिर लो मैं क्या करता, मैं बहुत घुट रहा हूँ, घुटन हो रही है, अब घुटन होगी तो मैं क्या चाहूंगा, थोड़ा अंगड़ाई मन नहीं कर रहा यार, हटा फेंको, तो जब अंगड़ाई लूंगा तो मैं एक्सपेंड हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ रेयर फैक्शन, पर मेरे बालक तो दबरे, मेरे बालक तो फील है इस चीज का, बड़े दीवार है कमरे की, ये भी दीवार है कमरे की, तो डेफिनेट जगह है, यहाँ मैंने बालक भर दिए बहुत सारे, ठीक है, अभी जो मैं हूँ, हाँ अब तो मैं अंगड़ाई लूंगा मेरे बालक दबेंगे, बेचारे दब जाएंगे बेचारे, तो मैं तो है रेयर फैक्शन, यहाँ तो एक्सपेंड हो गया, उनका क्या हो गया कंप्रेशन, क्या हो गया मंदिरों की लाइन में देखो, कभी गए हो तो मंदिरों की लाइन में बहुत दिखता है, धक्का लगाते हैं करके पीछे आते दम, यही होता रहता है, पहले कंप्रेस फिर क्या तुम मेरे को धक्का मारा ये ले फिर पीछे, तो ये होता रहता है कंप्रेस रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर, यही होता है। बहरहाल नोटबंदी की लाइन की तो बात तुमने प्यार वाली कर ली, गुस्से वाले में तो ये होता है तूने किसी को धक्का लगा डंडा निकाल के सीधे कत्ल कर देते, डंडा निकाल के कत्ल, चक्कू निकालेंगे कत्ल करेंगे, तूने धक्का लगा दिया मेरे को, वो उल्टा लगाते हैं, होता ना बहुत टाइट लाइन है, कभी गए हो अबे कभी भी दर्शन करने जाओगे किसी पीछे, बहुत टाइट लाइन होगी, बहुत टाइट लाइन होगी, मन करेगा किसी को धक्का तो हल्का था पीछे से हाल लगे उल्टा, तो कम ठीक है बेटा, बस समझ गया मैं, गुड 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 गुड, तरक्की पे बेटा, जीवन तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा है बेटा, बसों में कभी करे हो सफर करे, तो स्कूल वाले बच्चों से पूछो दर्द उनके जो बसों में आते हैं, बेटा स्कूल बस में नहीं बोल रहा हूँ अपने सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हो समय भीड़ दबा के होती है DTC, यस अगर किसी ने धक्का लगा कौन ही लगाते हैं करके, लगा तो ये लगा कौन ही, यानी कंप्रेशन होगा रियर फैक्शन है क्या आएगा, जब कंप्रेशन होता है तो पार्टिकल फील लो, मान लो वो डांस करते ना ये यूं हाथ करते हैं और यूं हाथ में डाल के ऐसे ऐसे पैर करके ऐसे ऐसे करते, अरे आता होगा यार, हाँ करते हो यार कभी तो, करो दो गोले बना लेते हैं और ऐसे करके एक यहाँ से हाथ आता है ये करके, फिर दूसरा हाथ करके तीसरा चेन ऐसे करके ये करके, आजा मैं तेरे ऐसे ऐसे डाल लो, यहाँ मान लो मेरे दो बगल में लड़कियाँ हैं, मान लिया एक लड़की को मैंने ऐसे पकड़ा, एक लड़की को ऐसे पकड़ा, उन्होंने और लड़कियों को पकड़ा, लड़कों को नहीं लड़का ही, तो उन्होंने लड़कियों को पकड़ा, एक गोला बना लिया, अब मस्त डांस किया, हाँ मतलब गुड, ऐसी लड़कियों की लाइन है इधर, लड़कियों की लाइन है, सब ने पकड़ा हुआ है मेरे को, सोर्स तो मैं ही हूँ, ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं हीरो है तू, अब फील लो, अब मान लो मैं
बगल में हूँ सबसे एंड में। दो तीन लड़के और आ रहे थे, किसी लड़की वड़की के दोस्त कह रहे हैं हम भी खेलेंगे। वो खेलने लगे उनके साथ में, वो भी चेन में घुस गए बीच में। मेरे को बर्दाश्त नहीं पाती है। मैंने कहा मैं होते हुए तीन चार लड़के और आ गए, ये तो गलत है। फिर मैंने कहा मैं नहीं खेला, मैंने छोड़ दिया गेम, मैंने फिर लेना इस चीज़ को। मैं चला गया सबसे एंड में, मैंने कहा सबसे एंड में खेलूंगा, मेरे को नहीं, मैं सबसे एंड में लगूंगा चेन, सबसे एंड में चला गया। अब लड़कों को मैंने कहा तू लगे यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ, तू मौज उड़ा, मेरे को नहीं खेलना। अब मैंने उड़ा ली थी ना, क्योंकि अब मैं आ गया बगल में, मैं आ गया हूँ बगल में। अब लगे पड़े तीन चार लड़के, 20-30 लड़कियाँ ऐसे लाइन लगे, मैं बगल में हूँ, मैंने धक्का दे दिया। खेल के क्या दे दिया धक्का, अब फील है ऐसे कर रहे ना, तो तुमने धक्का दिया तो क्या हुआ, जब तुमने धक्का दिया तो कुछ तो जुड़ेंगे, फिर वापस रियर फ्रैक्शन। पर जो रेयर फ्रैक्शन उससे आगे क्या हो, कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन, यानी कंप्रेस होगा फिर रेयर होगा। तो ये क्या, इसकी वजह से भी एक वेव का निर्माण होगा, क्या होगा वेव। पर वो वेव कैसे, एनर्जी तो जा रही है ना आगे, तो बन रही है बड़े कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में जो एनर्जी आगे बढ़ती है तो भी वेव बनती है, तो भी वेव बनती है। हमेशा हर बार यूं नहीं दिखेगी, ये गलत बैठे हो सोच के, अगर यूं सोच रहे हो हमेशा वेव गलत है बिल्कुल, हर बार रस्ता होगा ऐसे ऐसे वेव आएगी, ना 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 ऐसा नहीं है। बड़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती है जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में आगे बढ़ती है। कंप्रेस मींस पास आना, रेयर फ्रैक्शन मींस दूर जाना। इस फॉर्म में भी क्या हो रही है, लगातार आगे वेव बढ़ी है, एनर्जी जा रही है, तो वहां पे भी एक वेव का निर्माण हो रहा है। तो पूछो व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें पार्टिकल ऑस्किलेट करता है पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन। बड़े वेव भी आगे जा रही है और पार्टिकल भी कहां गया था, आगे, भाई मैं भी आगे गया था और मेरी एनर्जी भी कहां जा रही है, आगे जा रही है, तो दोनों क्या आपस में पैरेलल। तो इस तरीके की वेव होती है, वेव हमेशा ऐसी नहीं होती, वेव ऐसी भी होती है। बहरहाल अगर बात करो थोड़ी और ज्यादा तो फील लाओ बेटा स्लिंकी, आपको स्लिंकी की वीडियो दी गई थी याद है, अगर स्लिंकी की वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी तो स्लिंकी में ध्यान से देखो, गुजी गुजी करके गुजा गुजा हो रहा था। बहरहाल वीडियो में देखोगे, आगे देखोगे स्लिंक का एक एक्सपेरिमेंट आया, स्लिंकी ऐसे करके दबेगा और ऐसे करके दूर होगा, ऐसे करके पास आएगा, ऐसे करके दूर होगा। बहरहाल स्लिंकी ये भी दिखाया था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो स्लिंकी देखोगे। बहरहाल दिखा बेटा स्लिंकी और दिखाते तुम्हें, बड़ा फील है, छल्ला नहीं छल्ली, इज्जत से बोलो इसे, ठीक है, ठीक है, छल्ली बेटा ना, छलियाँ चल छोड़ है ना भाई, आए नहीं फील ले बेटा। अगर इसको स्लो मोशन में देखो फील लो, नॉर्मल आंखों से देखोगे तो दिक्कत होगी, तो उसके लिए वीडियो डे, स्लो मोशन में देखोगे तो क्या होगा, www.com पे जाना पड़ेगा अगर तेज देखोगे तो। बेटा इसको ऊपर नीचे करो, क्या करो, अगर इसको ऊपर नीचे करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, कि एक बार पास आते एक बार दूर, पास और बीच बीच में कहीं कंप्रेशन कहीं रेयर फ्रैक्शन मिलेगा, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, बड़े कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। बहरहाल इतना ही नहीं, बहरहाल तुमने और भी ऑस्किलेशन पढ़ा तो ऑस्किलेशन भी कर सकते हो, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेस हो रही है रेयर हो रही है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। बड़े देख यहाँ पे कंप्रेस भी हो रही है रेयर भी हो रही है, यानी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और इससे जुड़े हुए कई सारी वीडियोज हैं, एक्सपेरिमेंट है, है ना भाई। तो अगर फील लो इसको क्या है, एक एंड से कोई दूसरा बच्चा पकड़ ले और इस एंड से खींचे तो भी आपको रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन देखने को मिलेगा, भी बताऊंगा। अगर स्टील की होती बहुत बेहतर दिखता, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो उसके नीचे कुछ लगा दूं हाथ और इसको आगे पीछे करूं तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना, बोल भाई ध्यान से देख, मिल रहा होगा, दिख रहा है क्या, कंप्रेस भी हो रही है और क्या हो रही है, फील है। जब मैं पार्टिकल की बात करूं तो मेरा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, मैंने आगे गया, जब पार्टिकल आगे गया तो एनर्जी भी आगे गई ना भाई, अरे हाँ भाई जब आगे आगे ऐसे देख कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, पीछे आ रहे तो एक्सपेंड, फिर क्या हो रहा है कंप्रेस, फिर क्या हो रहा है एक्सपेंड, नहीं आया भाई। अगर ये स्टील की रिंग से करोगे, किसके करोगे, एक स्टील की रिंग आती है वो बहुत बेहतर होती है, ये तो ऐसी प्लास्टिक की है तो उसमें बहुत बेहतरीन आपको छल्ले बनते हुए देखेंगे, वो लंबी भी होती है, यानी जितना ये ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टील में क्या होता है ये अपनी शेप को देखो फ्लेक्सिबल काफी ज्यादा होती है, स्टील की होती है तो एक मेंटेन रख पा रही है, तो स्टील में देखोगे ना तो कंप्रेशन और क्या मिलेगा, रेयर फ्रैक्शन। बड़ा ऐसा पार्टिकल और एनर्जी क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या है, अब फील है बेटा। अगर तुम वीडियो देख के आए हो तो एक वक्त पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, क्या होते हैं बेटा, जहां पार्ट पास में होंगे, यहाँ पे मान लिया पास में, बीच में देख ले, मान लिया पार्टिकल बहुत पास में, अगर ये पास में दबेंगे तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और जहां दूर होंगे प्रेशर क्या होगा, यानी जहां पार्टिकल पास वहां प्रेशर ज्यादा, जहां पार्टिकल दूर वहां प्रेशर कम, आना चाहिए नहीं आया तुम्हें, बड़ा बताओ जहां कंप्रेशन होगा वहां क्या होगा, ज्यादा प्रेशर, और जहां क्या होगा रेयर फ्रैक्शन वहां क्या होगा, कम प्रेशर, इतना आपको आना चाहिए, नहीं आता तुम्हें यार, पता लगा बेटा। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है बताया मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, बताओ भाई, ये बवाल बनाई क्यों, और मेरे को समझ नहीं आता बच्चे से करते क्या होंगे, गुजी गुजी क्या खेलते होंगे यार, मजा आता है, घर लीजिए तो अभी दे दो, ये देख रहे हो खेलने की देखो इच्छा, देखो इन्हें, चल छोड़ बकवास ही है, बड़ा फील है। हाँ तो कंप्रेशन और
रेयर फैक्शन दिख रहा होगा, अगर प्यार से देखो तो तरीके से दिखेगा, कंप्रेस रेयर। बेटा जिस जगह कंप्रेशन हो रहा है ना उस जगह आपको क्या हो रहा है, हाई प्रेशर, क्या है? और जिस जगह रेयर फैक्शन उस जगह है लो प्रेशर। पहली बात तो ये आना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, कोई पूछे, और वीडियो तुमने देख रही है ध्यान से देख लेना बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें पार्टिकल ऑस्किलेट करे पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, पहली बात ये। हां ना बोल भाई। बेटा फिर व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव, बेटा जिसमें पार्टिकल ऑस्किलेट करे परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, परपेंडिकुलर द। अब स्ट्रिंग की बात करूं बेटा, ये तो केचुआ हो गया, केचुआ पहले कंप्रेसर था फिर एयर होता है। बहरहाल इसमें और भी चीजें देखेंगे भी, अभी ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल भी आगे और वेव भी, जो वेव है और पार्टिकल दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन यानी ये पैरेलल है, क्या है पैरेलल। ये वेव भी आगे आ रही है, एनर्जी भी आगे आ रही है और पार्टिकल भी आ रहा है आगे, समझ आ रहा है। पर इसमें अगर इस तरीके की ट्रांसवर्स वेव की बात करें जो दिखती है ऐसी बनती हुई दिखती है, जो दिखे बड़े, तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन मींस पार्टिकल पास पास, रेयरफैक्शन मींस पार्टिकल मान लो यहां बीच में दूर हो गए फिर ये पास हो गए, फिर यहां पे कुछ भी नहीं है, फिर ये पास में आगे दिख रहे हैं क्या, ऐसे पास दूर पास दूर पास दूर ऐसे, हाँ ना भैया। तो ये एक ऐसी वेव भी होती है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या बोलते हैं, और जो ऐसी दिखे उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। बहरहाल इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। कभी रस्सा लो, और रस्सी को तो करा होगा यार सबों ने, बट रस्सी को जब ऐसे ऐसे करते हो तो होता क्या, अपने हाथ को देखो जरा ध्यान से, आपके हाथ नीचे और ऊपर, नीचे और, तो आपके यहाँ पे हाथ में पार्टिकल होगा नहीं होगा, वो पार्टिकल क्या है, टू फ्रो टू एंड, उसका मोशन तो टू एंड फ्रो है, तो आगे जो रस्से में पार्टिकल वो सब भी क्या हो रहे हैं टू एंड, वो थोड़ा आगे जा रहे हैं, पार्टिकल का मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो, कैसा है। बहरहाल इसमें टू एंड फ्रो नहीं है, इसमें आगे पीछे, इसमें क्या है आगे पीछे, पर इसमें क्या होता है पार्टिकल यहाँ वाला है, अभी यहाँ पे थोड़ी देर पार्टिकल कहाँ हुआ, नीचे, फिर कहाँ हुआ नीचे, फिर कहाँ हुआ ऊपर, यानी अपनी पोजीशन में ऐसे ऐसे होता रहेगा। अच्छा बता, रस्सी में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, खी लेती हो बड़े, एक एंड से पकड़ा और ऐसे ऐसे तू करके कर रहा है, ठीक है, तो बता क्या होगा, याला पार्टिकल जो याला पार्टिकल है ऊपर क्या होगा भाई, अभी नीचे थोड़ी देर ऊपर पहुंचेगा फिर नीचे आएगा, हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, हर पार्टिकल यानी हर पार्टिकल का मोशन है टू एंड फ्रो, कैसा है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, यानी पार्टिकल आगे थोड़ा जाते हैं, कभी देखा पार्टिकल आगे जाते हैं भाई, रस्सी में ऐसा लिए यूं करके कर रहे हो और वहां से बौछार होगी, पार्टिकल होगी, ऐसा थोड़ा होता है यार, सारे पार्टिकल कैसा मोशन है, अप एंड डाउन, अपनी ही लोकेशन पे ऊपर, अपनी ही लोकेशन पे नीचे, सारे पार्टिकल सिर्फ क्या हो रहे हैं, ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, पर आगे क्या जाती है एनर्जी, क्या जाती है ये आगे जो बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है एनर्जी, तो एनर्जी का मोशन क्या होता है इधर, पर पार्टिकल क्या होता है ऊपर, तो ये दोनों आपस में कितने डिग्री पे होते हैं 90 डिग्री पे, यानी पार्टिकल का मोशन ऊपर और एनर्जी आगे, तो इस तरीके की वेव को क्या बोला है ट्रांसवर्स वेव, यानी पार्टिकल ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, यानी वेव की जो डायरेक्शन वो आगे की तरफ है पर पार्टिकल क्या है ऊपर और नीचे, यानी जब पार्टिकल ऑस्किलेट करता है परपेंडिकुलर वेव डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, और जब पार्टिकल आपको ऑस्किलेट करता है पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। नहीं आया? बहरहाल इसका कोई एग्जांपल पूछे ट्रांसवर्स वेव का, तो स्ट्रिंग बोल सकते हो, रस्सी बोल सकते हो, है ना भैया, रस्सी में से बताए, इसका कोई पूछे कह रहा साफ बोलूंगा देख रहे हो बड़ा, कोई इसका एग्जांपल बोले तो क्या बोलेगा बेटा, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है साउंड वेव, क्या होती है, क्योंकि साउंड वेव में यही होता है, साउंड वेव ऐसी थोड़ा दिखती है, साउंड वेव ऐसी होती है कुछ बेटा, साउंड वेव को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो साउंड वेव में क्या होता है कि साउंड में जब बोलूंगा तो मेरे आगे जो एयर होंगे पार्टिकल वो आगे जाएंगे, वो कंप्रेस होंगे, क्या होंगे, फिर क्या होंगे, आगे वाले को धक्का देंगे, फिर रेयर फैक्शन आगे आएगा, तो जो भी वेव कंप्रेशन और रेयर फैक्शन की फॉर्म में एनर्जी आगे जा रही है उन्हें क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल।
ट्रांसफर्स ऑफ बेटा, अगर और जिक्र करो ना तो इसको देना ध्यान से देखो बेटा, अगर आगे पीछे करेंगे तो क्या हो रहे हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल, अरे ऐसे नीचे तो लॉन्गिट्यूडनल है, हाँ ना बोल भाई, पर फिर लो इसको ऐसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो कैसी वेव आने वाली है, तो क्या होगी बेटा स्ट्रिंग से होगा, किससे होगा स्ट्रिंग से सबसे अच्छा, नहीं तो स्टील क्यों नीचे थी, तो इसे आगे पीछे करोगे ना तो ये पार्टिकल तो आगे बताइए, बीच में जो पार्टिकल है ये तो ऊपर नीचे हो रहे हैं ना भैया, अगर स्ट्रिंग से करोगे आपको कुछ आगे जाते हुए दिखेगा भी, वो एनर्जी होगी, क्या होगी और पार्टिकल का मोशन क्या है टू एंड फ्रो, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे पर एनर्जी ऐसे ऐसे, तो इसको कॉल्ड ट्रांसवर्स, और ऐसे ऐसे बात करें इसको कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। आया ही नहीं आया, एक लड़का कह रहा माइक की बाइक साथ कर लो घर पे, आगे रस्सी से कर लियो बढ़िया आ गया, अरे हाँ ना बोल भाई, तो बेटा एक काम करते हैं हम बेटा, अगर बात करें वेव की तो पहले वेव लिख लो होती क्या है, व्हाट इज वेव, स्टार्ट भी तो करें बेटा, सबसे पहले लिखोगे वेव होती क्या है, चैप्टर का नाम ही वेव है, तो वेव डिटेल में बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, है ना भैया, यानी जब पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो एनर्जी और मोमेंटम आगे ट्रांसफर होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, इसे वेव बोलते हैं, वेव की हजार तरीके की डिफाइन लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो बेटा लिखो वेव इज अ डिस्टरबेंस, वेव है क्या एक बेटा, वेव इज द डिस्टरबेंस विच प्रोपगेट गाना गाने का मन कर रहा है गालू बेला 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 छाओ 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 हाओ हाओ हाओ, अरे तुमने मनी हाइस्ट नहीं देखी क्या, फाइनल्स क्या देखोगे बेटा, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ लियो बढ़िया आ गया देख लो, हाँ भाई पहले देखे विजा डिस्टरबेंस क्या लिखो बेटा, विच प्रोपगेट एनर्जी एंड मोमेंटम, विच प्रोपगेट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, बेटा विच प्रोपगेट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, विच प्रोपगेट एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, यानी मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर लिख लिया बट व्हाट इज वेव, वेव इज अ डिस्टर्ब, अरे एनर्जी तो मैं मनेंगे इसमें चल मजाक कर रहा, बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव बता दिया है क्या, बात करें ट्रांसफर से लिखवा दिया है क्या, बात करें आपको मैकेनिकल वेव, बात करें मैकेनिकल वेव लिखवा दिया है क्या, नॉन मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव लिखवा दिया है क्या, द पार्टिकल ऑसिलेट इज पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन ऐसे करा दिया है क्या बेटा, इसके बाद वीडियो ऑन है क्या, उसके आगे बेटा अब आगे की बात है, इसके डायग्राम तो देख लें, इसके एग्जांपल तो देख लें, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव को डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, थोड़ा फील लीजिए स्पीकर देखा कभी बेटा, स्पीकर से आपकी क्या लगातार साउंड निकलता है, क्या निकलता है बेटा, साउंड निकलेगा एयर पार्टिकल, जो लेयर ऑफ द एयर पार्टिकल होंगी, लेयर ऑफ द एयर, लेयर ऑफ द, तो लेयर ऑफ द एयर को क्या करेगा डिस्टर्ब करेगा, हाँ ना भैया, तो बेटा फील लीजिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक भोपू बनाते, क्या बनाते बहरहाल कोई बोलेगा नहीं सर आपको भोपू बनाना आता नहीं, मान ले भोपू ऐसी है ना, भोपू है क्या है, यू नॉट भोपू, चिमनी लग रही है बहुत बड़े बेटा, ठीक है बेटा ये भोपू है जिससे क्या है साउंड निकल रहा है, क्या निकल रहा है मान ले बेटा, यहाँ पे एयर पार्टिकल, यहाँ पे क्या है एयर पार्टिकल, फिर ले बेटा यहाँ पे हवा होगी, है ना भाई, तो यहाँ पे बेटा छोटे छोटे एयर पार्टिकल बनाओ, बोले एक, बोले गुजी, बोले गुजिया, बोले सूझ गया, गुजी गुजी गुजिया 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 सूझ गया, बोले गुजिया, गुजी गुजी गुजिया गुजिया गुजी, बेटा बोले गुजी 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 हो गया बड़े, ओए आवाज नहीं बेटा, एक लेयर पार्टिकल की, एयर की पार्टिकल है, ये भी एयर के पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल, ये भी एयर के लेयर है, क्या है लेयर, तो लेयर है तो सब पार्टिकल तो होंगे, बोल पार्टिकल, बोल एयर के पार्टिकल, बोल लेयर ऑफ द एयर, बोल एयर ऑफ द लेयर, बोल लेयर है तो एयर है, एयर थी तो लेयर बनी, किसकी पार्टिकल की, कौन से एयर के, तो एयर के पार्टिकल की लेयर, लेयर ऑफ द एयर पार्टिकल, है ना भैया, कहने का मतलब क्या है बेटा, आगे गए यहाँ पे बहुत सारी एयर के पार्टिकल्स ऐसे दिख रहे, अब बेटा यहाँ पे एक स्पीकर लगाए, क्या लगाए, अब स्पीकर हो कभी देखो एकदम से तेज साउंड होता है फिर लोड होता है ना भैया, तो आगे वाइब्रेट करता है, क्या करते हैं
यानी उसके आगे जो भी एयर होगी उसको धकेलता है, ऐसे करता है, और वो आगे वाले पार्टिकल करते हैं, वो आगे वाले तो धकेलेंगे। बेटा एयर हैज इलास्टिसिटी, एयर हैज, अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर वो डिस्टर्ब हुए तो वापस आएंगे, क्या करेंगे, अगर आगे देखेंगे तो वापस भी आएंगे। हाँ ना भैया, बहरहाल एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेसेसरी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ द किसकी, आपकी वेव की प्रोपगेशन के लिए, ठीक है, वो होती है इलास्टिसिटी, होती है इनर्शिया, क्या होता है इनर्शिया, यानी यहाँ पे इनर्शिया भी होता है इलास्टिसिटी भी होती है, फिर लो इलास्टिसिटी सारे बच्चों को आती है क्या, बात करिए इलास्टिसिटी, बड़ा यहाँ से हमने वेव को क्या पार्टिकल को धक्का लगाया, यहाँ से जब धक्का लगाएंगे तो याली लेयर होंगी, इस वाले पार्टिकल को हिलाएगा, पर याली लेयर के पार्टिकल पहले इसके पास जाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे हिलाएंगे, फिर वापस यहीं पर आ जाएंगे, तो जब ये इसके पास जाएंगे तो कंप्रेशन होगा नहीं होगा, फिर क्या होगा रेयरफैक्शन, फिर ये इसके पास जाएगा फिर क्या होगा कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, यानी दबेंगे फिर दूर जाएंगे, दबेंगे फिर दूर जाएंगे, दबेंगे फिर दूर जाएंगे, दबेंगे फिर दूर जाएंगे, तो आगे क्या आएगी एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल तो वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। अरे ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा क्या, नहीं, मान लो यहाँ पे आपका कान है, क्या है, अरे हाँ भाई ये कान बना हुआ, ठीक है, फिलहाल अरे मान ले ऐसा, अरे हाँ भैया ये कान मान ले, ठीक है, यहाँ पे कान है तेरा, बड़ा ऐसे कान है यहाँ से गए, धीरे धीरे एनर्जी आएगी आगे, बड़ा ये वाला पार्टिकल तेरे कान में थोड़ा घुस रहा है, ये घुस रहा है नहीं घुस रहा, क्या घुस रही है एनर्जी, बड़ा यहाँ से एनर्जी जा रही है, क्या जा रही है एनर्जी, तो एनर्जी आगे से रही है, इसने इसको हिलाया, इसने इसको हिलाया, वाइब्रेट करा, इसने इसको वाइब्रेट करा, इसने इसको वाइब्रेट करा, वाइब्रेशन धीरे धीरे एनर्जी का ट्रांसफर होते तेरे कान में आ गया, है ना भैया, नहीं आया, तो रियल में थोड़ी डीप बात करें तो कहीं पे गया है कंप्रेशन, कहीं पे गया है रेयरफैक्शन, तो मान लेते हैं, देखती ले यहाँ पे ध्यान से देखियो, मान लो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, क्या हुआ है, थोड़ा और ज्यादा पार्टिकल बना, दिख रहा है क्या, अरे हाँ तो बोल दे यार, बट यहाँ पे क्या हुआ कंप्रेशन, क्या हुआ है, अरे झूठ झूठ बोल दे, हाँ बट यहाँ पे क्या है, अबे तेज बोल, यहाँ पे क्या है, अरे पार्टिकल का प्यार है बेटा, ध्यान से देख, पार्टिकल का प्यार, पार्टिकल वैलेंटाइन डे बना रहे, दिख रहा है क्या, सूरज कुंड में, बहुत बढ़िया, सूरज कुंड में वैलेंटाइन डे, सूरज कुंड में बढ़िया कंप्रेशन, क्या है तो भैया यहाँ पे कहीं दूर फिर से बना होगा, यहाँ मान ले, दिख रहा है क्या, अरे हाँ कहीं कंप्रेशन कहीं रेयरफैक्शन ऐसे होता है ना, तो मान लो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, बहरहाल ये पार्टिकल वापस अपनी जगह जाएंगे सारे, तुम बताइए, फिर रेयरफैक्शन भी होगा, है ना भैया, क्योंकि एयर में क्या होती है इलास्टिसिटी, क्या होती है, तो एयर में इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं, पर आगे क्या ट्रांसफर कर देते हैं, एनर्जी, आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देते, क्या कर देते, तो आगे क्या ट्रांसफर हो रही है, एनर्जी, पार्टिकल नहीं हो रहा, पार्टिकल तो आगे होके वापस आ रहा है, अरे आया नहीं आया भाई, बट यहाँ पे क्या मिला है कंप्रेशन, क्या मिला है, बड़ा फील है, ध्यान से बताओ, यहाँ पे सी है, हाँ ना भैया, बड़े यहाँ पे रेयर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेयरफैक्शन, तो यहाँ पे क्या है कंप्रेशन, फिर बड़े यहाँ पे क्या मिला है बता, रेयरफैक्शन, फिर ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन, अब यहाँ पे क्या मिला था कंप्रेशन, बड़ा कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन आया, यानी सी मिला आर मिला, सी मिला आर मिला, तो मैं नहीं आया भैया, यहाँ के लेयर के पार्टिकल मान ले आगे आ चुके हैं, इसके अंदर मर्ज हो चुके हैं, कंप्रेशन हो गया, फिर थोड़ी देर क्या हुआ रेयरफैक्शन, ये यहीं पर हुआ हुआ, पर दिखा रहा हूँ आगे, हाँ ना भैया, कंप्रेस फिर एयर, कंप्रेस फिर एयर, एक ही जगह हो रहा है, बस उसे दिखाने का तरीका ऐसा है, तो मैं नहीं आया भैया, दबता है तो कंप्रेशन होता है यार, इतना तो आ गया होगा, बता आगे क्या जा रहा है, पार्टिकल या एनर्जी, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया, जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा पास में वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पार्टिकल दूर वहाँ क्या बोलते हैं, बेटा जहाँ कंप्रेशन होता है हाई प्रेशर होता है, क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर, ये भी क्लियर है क्या, बेटा एक पॉइंट तो यहाँ आना चाहिए, बहरहाल इसमें थोड़ा और देखते हैं डायग्राम को, फील बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बड़े ये क्या वापस वही स्पीकर है, अच्छा स्पीकर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल का वेव का एग्जांपल कोई बोले साउंड वेव, इससे साउंड वेव की बात करें और आपकी पूरी वेव में साउंड की बात ही होने वाली है, जहाँ तक साउंड की और स्ट्रिंग की, साउंड की और स्ट्रिंग की, यही दो चीज़ें पढ़ाएंगी, बड़ा वेव ले ले, ऐसे भी तो ले सकते हैं, ये क्या बेटा लेयर, क्या है लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर से बना दी, फिर देख यहाँ पे थोड़ा दूर ले, एक दो तीन चार, ऐसे मतलब पास पास लेयर, फिर क्या है एक दो तीन चार, ऐसे पास पास बना दी, बड़े यहाँ से खींच दे लाइन, यहाँ से खींच दे लाइन, आया नहीं आया, बड़े यहाँ पे लेयर पास पास से दूर दूर है, बड़े लेयर क्या है, लेयर ऑफ द एयर पार्टिकल, लेयर ऑफ द, बड़े लेयर ऑफ द एयर, लेयर ऑफ द, यानी जो लेयर है ये एयर की है, ये जो लेयर है वो एयर की है, यानी एयर के छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे, उनसे मिलकर एक लेयर बनी है, जैसे हाथ की लेयर है भैया, अब फिर कंप्रेस हुई होंगी, फिर क्या होगा रिफ्रेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रिफ्रेक्शन, बड़े यहाँ क्या होगा सी, यहाँ क्या होगा सी, यहाँ क्या होगा सी, यहाँ क्या होगा आर, यहाँ क्या होगा आर, इतना आया नहीं आया, क्लियर है क्या, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, फील है ना, बड़ा अगर बात करें इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, जो वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में आगे फ्लो करती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मान लिया जी, बड़ा यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या लो प्रेशर, ये भी मान लिया, पर फील लो बेटा ये देखो ये डब्बा, दिख रहा है डब्बा, बेटा इस डब्बे के अंदर होता है एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन है, तो बेटा यहाँ पे फील है, एक इंपॉर्टेंट नोट ये, वन कंप्रेशन प्लस वन रेयरफैक्शन इज इक्वल टू वन वेव, इज इक्वल टू वन वेव, कोई पूछे यहाँ पे कितनी वेव बन रही है, तो मैंने बता दोगे, बेटा एक कंप्रेशन एयर रेयरफैक्शन एक वेव, फिर क्या है एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन दो वेव, एक कंप्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा होगा ऐसे ले, अरे हाँ ना भैया तीन वेव, यहाँ पे क्या हो रहा है रेयरफैक्शन,
ऐसा बता सकते हो। यानी एक वेव का निर्माण कैसे होता है लॉन्गिट्यूड में, एक सी एक आर मिलाओ एक वेव बन गई, नहीं आया तुम्हें? तो वन वेव क्या होगा, एक कंप्रेशन प्लस ए रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू वन वेव, नहीं आया तुम्हें यार? पक्का आ गया क्या? बताओ फील है, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे क्या है लो प्रेशर, या चाहे तो हम यहाँ वेव भी बना सकते हैं, बना के दिखाऊं क्या? फील लीजिए, मैं कान में बैठू तो क्या फील लो, यहाँ पे देखो बेटा थोड़ी दूर में, बेटा प्यार से फील लो, यहाँ पे क्या है एक दो तीन बना लो ऐसे, अरे यहाँ भी बेटा फिर दूर ले एक दो तीन चार पाँच कुछ भी कर ले, इतना आया नहीं आया एक बार बना ले, अरे हाँ तो बोल दे यार तुम्हें नहीं आया भाई, ऐसे मिटो दे ऐसे मिटो दे, बेटा फील है बेटा यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या आर, बेटा यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे क्या है आर, यहाँ पे क्या है सी, बेटा यहाँ पे सी होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर, जहाँ पे हाई प्रेशर हो वेव कुछ ऐसी होगी, दिख रही है कुछ ऐसे, फिर देख ऐसे, फिर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे हाई, कुछ ऐसे, अगर तुम्हें वेव ही दिखानी है तो, नहीं आया तुम्हें? बेटा कंप्रेशन मीन्स हाई प्रेशर, यानी इस जगह क्या हुआ हाई प्रेशर, इस जगह क्या है लो प्रेशर, इस जगह क्या है लो प्रेशर, इस जगह क्या है हाई प्रेशर, इस जगह क्या है हाई प्रेशर, नहीं आया तुम्हें यार? तो है वो वेवी, बस फॉर्म उसकी अलग है, वो कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की फॉर्म में फ्लो हो रही है, अगर आपको जैसे दिखाना है तो दिखा सकते हो, एग्जाम में इतना करना नहीं, एग्जाम में तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल की स्टेटमेंट आएगी, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव, एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आएगा राइट द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, तो पहले तो डिफाइन लिख दोगे फिर बोल दोगे किस तरीके से फ्लो करते हैं, और दूसरी बात ये जो होती है इन द फॉर्म ऑफ किसमें फ्लो करती है कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की फॉर्म, नहीं आया पक्का आ गया? बेटा एयर हैज इलास्टिसिटी, ये आगे जाएंगे आगे एनर्जी देंगे फिर वापस पीछे आ जाएंगे इलास्टिसिटी की वजह से, इतना तो आ गया होगा बेटा, और फील लो और फील लो बेटा, बताओ अगर वेव की बात करें यहां लिख लो, ये तो ये है क्या है बताओ, लेयर लेयर ऑफ द एयर, एयर की लेयर है बेटा, अगर वेव की बात करें तो बचपन से ऐसी वेव पढ़ते हुए आप लोग तो ऐसे मस्त बनी होगी, अरे है ना भाई ये पढ़ते हुए, बताओ इसकी बात करें तो बताओ ये तो एम्पलीट्यूड होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और बहुत बार देखा ये तो क्लियर, ये क्या एम्पलीट्यूड, ये क्या है एम्पलीट्यूड, पूरी वेव बनाते हैं ऐसे करके ऐसे, और भी नहीं है ना भाई आगे बना लोगे, हाँ तो बोल झूठा झूठा बोल दिया यस सर, बेटा ये क्या है ये हिल है और ये क्या वैली क्या है बेटा, यहाँ पे क्या हाई प्रेशर क्या है और यहाँ पे क्या है लो प्रेशर, आया नहीं आया? बहरहाल जैसे तुम सी और टी बोलते हो बचपन से यही बोलते आए हो, आई बच्चे यही बोल रहे हैं बड़ा फील है, यहाँ से लेके एक चोंच से लेके एक चोंच तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं वेवलेंथ, क्या बोलते हैं वेवलेंथ, ये भी आता होगा, बहरहाल वेवलेंथ यही नहीं वेवलेंथ नीचे भी हो सकती है, यानी इससे लेके यहाँ तक ले लो ये भी वेवलेंथ है, अरे आया ना भैया ऊपर से ऊपर दो कौन है नीचे से नीचे वो भी वेवलेंथ, कहीं भी ले लो आपकी मर्जी है, नहीं आया भैया? बड़ा एक होता है टाइम पीरियड, क्या होता है अगर को बच्चे बड़े से टाइम पीरियड बताओ बड़ा, एक पूरा साइकिल यहाँ कंप्लीट हुआ है, अरे भाई या आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव एक साइकिल, तो बड़ा एक साइकिल में पूरा टाइम, ये टाइम पीरियड क्या है टाइम पीरियड, अरे हाँ ना बोलो भाई बेटा तीन टर्म बताइए कितनी बताइए टीम, व्हाट इज एम्पलीट्यूड आता है क्या वेवलेंथ आती है क्या टाइम पीरियड आता है क्या एक वेव आती है क्या वेव चल रही है, अरे हाँ ना बोल भाई तुम्हें नहीं आया भाई पक्का आ गया है क्या बेटा, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, पर याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव हमेशा किसमें फ्लो करती है ट्रांसवर्स और कंप्रेशन की फॉर्म में आपको मिलती है, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, कंप्रेशन और झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ये डायग्राम आ गया है क्या, हाई प्रेशर लो प्रेशर आ गया, एक सी एक आर इक्वल टू वन वेव, इतना आ गया क्या, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया आपका खत्म, बेसिक इतना ही करना होता है ना। बहरहाल आप एक दो पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, पहला ये कि आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, ये याद रखिएगा ठीक है, कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेरिफेक्शन और कंप्रेशन, एक बात ये। दूसरी बात की बात करें कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम फॉर द वेव प्रोपगेशन, तो उसका आंसर आता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेव को प्रोपगेट कराने, पहला इलास्टिसिटी, दूसरा इनर्शिया, दूसरा इनर्शिया आपने छोटी क्लास में पढ़ा है जड़त्व का नियम, हिंदी में बोलते हैं ठीक है, अरे ये चीज रखी रखे रहना चाहती है, ये चीज रखी तो अगर ये बोतल रखी हुई है तो रखी रहना चाहती है, अरे हाँ भैया अनटिल और अनलेस जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, यही तो था इनर्शिया छोटा होगा, अरे हाँ ना भैया, तो क्या बोला मैंने एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है दो मार्क्स का कि नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम फॉर द वेव प्रोपगेशन कौन कौन सी है, पहली है इलास्टिसिटी, दूसरा क्या है इनर्शिया, ये होनी चाहिए, पार्टिकल वहीं आ जाएगा, पार्टिकल वहीं आ जाएगा पर आगे क्या ट्रांसफर देगा एनर्जी, एक ये पर अभी तो बहरहाल आप ये लिख लो लॉन्गिट्यूडनल वेव के नीचे डायग्राम बना लो, और डायग्राम के नीचे एक पॉइंट लिख लेना, क्या लिख लेना हो कि आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रेवल करती है तो किस फॉर्म में करती है कंप्रेशन और रेरिफेक्शन की फॉर्म में, लपेटो घसीटो उठापट को हलवा चीज, बड़ा पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी केड़ा केड़ा बच्चा ऊपर देख बड़ा पिले छत्तीसगढ़ हो गया पिले केड़ा केड़ा ऊपर देख, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बड़ा
केड़ा केड़ा छोड़ो, बड़ा लॉन्गिट्यूडनल आ गया, बड़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये क्लियर है क्या? बड़ा कोई पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन, इज द रीजन ऑफ द मीडियम, कंप्रेशन क्या इज द रीजन ऑफ द मीडियम इन विच द पार्टिकल आर कंप्रेस, व्हेन इज द पार्टिकल आर, अरे हाँ ना बोल भाई, बड़े कोई वाले डिफाइन द कंप्रेशन डिफाइन द रेयरफैक्शन कर लोगे मेरे हिसाब से, आए ना भैया व्हाट इज द कंप्रेशन, तो बोलोगे इज द रीजन ऑफ द मीडियम इन विच द पार्टिकल आर कंप्रेस, और उसमें क्या उल्टा होंगे, नहीं आया तुम्हें यार, पहली बात तो ये आ गया लॉन्गिट्यूडनल बड़े से आगे, अच्छा याद रखा कंप्रेशन जहां भी होता है वहां क्या होता है आपके पार्टिकल पास पास, हाई प्रेशर होता है फील लो, बड़े यहां पे जो हीट जनरेट हुई होगी क्या होगी, बड़े पार्टिकल पास पास आएंगे तो यहां डेंसिटी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो यहां पास पास आएंगे डेंसिटी बढ़ जाएगी पर वॉल्यूम क्या होगी कम, वॉल्यूम क्या होगी तो यहां पे हीट जनरेट होगी क्या होगी, पर रुको जरा बेटा, जो हीट जनरेट होती है ना सराउंडिंग भी तो है बेटा, हीट जो है बाहर नहीं जाती, हीट जो है बाहर नहीं जाती, ना ही तो बाहर से हीट यहां पे, जैसे कि रेयरफैक्शन है तो यहां पे क्या ऐसे दूर भागे तो ना ही तो हीट बाहर से अंदर आती ना ही तो अंदर से बाहर जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहां पे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बेटा, फिलहाल दोबारा बोल रहा हूं बड़े, पार्टिकल पास पास आते हैं तो कंप्रेशन होता है, प्रेशर आई तो यहां पे हीट तो बनी होगी ना, अरे यार लाजमी से बात है पार्टिकल पास आएंगे हीट डेवलप होगी, तो हीट जो पैदा होगी वो हीट में कह रहा हूं सराउंडिंग में नहीं जा रही, और जब दूर आएंगे तो हीट सराउंडिंग से इसमें आ भी नहीं रही है, मैं कह रहा हूं मेरे से पहले लाप्लास ने कह दिया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट, यानी एक सेकंड में करोड़ों बार जो है कंप्रेशन बन रहा है, एक सेकंड में करोड़ों बार क्या बन रहा है रेयरफैक्शन, बहुत तेजी तेजी से, ऐसा नहीं आंखों से दिख रहा मस्त आ रहा है मस्त जा रहा है मौज चल रही है, बहुत तेजी से, मैं तुमसे बोलता हूं तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी आएंगे सब, सर ने वहां से बोल दिए अभी उनके होंठ तो फड़फड़ हो रहे, अभी थोड़ी देर पहुंच रहे होंगे हमारे कानों में आ रहे होंगे, या जैसे बोला वैसे सुनाइए, या फिर नहीं नहीं जैसे किसी के होंठ फड़फड़ा रहे हैं अभी आने वाले थोड़ा चाय पी लेते हैं, जब तक आएंगे थोड़ा चाय पी लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि बहुत तेज होता है, बहुत बड़ा इतनी तेज प्रोसेस होता है कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी यहाँ पे बनी वो सराउंड में जाना तो चाहती है, जाना तो पर अगले ही पल बिल्कुल कम टाइम में वापस वहां पर क्या बन जाते हैं, बाहर जाने के तो वहीं समझ आ जाती है, फिर ले रहेगा बड़ा जैसी पास पास आए क्या बनी एनर्जी बहुत ज्यादा, अब एनर्जी है बाहर सराउंडिंग है, वो एनर्जी जाना कहां जाती होगी, पर यार प्रोसेस बहुत तेज है, प्रोसेस बहुत वापस से क्या होता है रेयरफैक्शन, अरे कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है रेयरफैक्शन, और रेयरफैक्शन पार्टिकल दूर दूर तो वहां पे हीट चाहिए ना उसे, तो कहेगा तू बाहर के जरिए मेरे को ही दे दे यार, तो एनर्जी क्या है ट्रांसफर अंदर ही हो जाती है बाहर जाती नहीं हीट, समझ रहे हो क्या फील ले यहां पर, एक बार हाई टेंपरेचर भाई पास आएंगे टेंपरेचर हाई हीट पैदा होगी, तो टेंपरेचर क्या हो गया लो, और लो हो गया तो भैया हीट तो चाहिए ना, तो हाईर से लोअर, तो हीट बाहर जाने की वजह वहीं समझ आ रही है, हीट कांस्टेंट है, हीट क्या है क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में जा ही नहीं रही, सराउंडिंग से सिस्टम में भी नहीं आ रही, एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे है याद करो, एडियाबेटिक वॉल्स क्या होती है, सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं आएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में भी नहीं आएगी, नहीं आया भाई एक मिनट रुको जरा बड़ा पी लीजिए, हाँ भाई तुम्हें क्या कह रहा बड़ा, एडियाबेटिक वॉल्स की बात करें तो हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग में भी नहीं आ रही और सराउंडिंग से सिस्टम में भी नहीं आ रही, यही होता है एडियाबेटिक वॉल्स, एडियाबेटिक प्रोसेस में ये होता है हीट कांस्टेंट होती है, पर ये प्रोसेस इतनी तेज होता है उसे देख पाना मेजर करवाना महसूस करवाना इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए, बहुत तेज होता है, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे मुंह से एनर्जी निकल रही है, अब एनर्जी आ रही है तुम्हारे कान के यहाँ पड़ रही होगी, अब तुम्हारे कान के यहाँ पड़ रही है, तुम्हारे कान के गर्म हो रहे हैं मेरे मुंह से निकले हुए शब्द से, अगर चुभ रहे तो बता दो भाई, फिर मैं कल से रियाज करूंगा थोड़ा, मैं स्वर वर में बोलना स्टार्ट करूंगा भाई हमेशा, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वाह नहीं वाह, मैं कह रहा हूँ जब हम बोलेंगे तो जब मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे कानों में आवाज आ रही है, तुम्हारे कान क्या गर्म होगी मेरी आवाज से, किसी और चीज से हो सकते मेरी आवाज से नहीं हो सकते, तो ऐसा क्यों, क्योंकि असली में हुआ नहीं, असली में देखो हुआ क्या, जब मैंने बोला तो एनर्जी गई और एनर्जी गई आपको कान को हिट करी, तो असली में हिट करी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आई यहाँ पे बढ़ी यहाँ पे गर्मी बढ़ी सब कुछ हुआ, कंप्रेशन तो यहाँ पे हुआ ना, एनर्जी हिट यहाँ बढ़ी, पर तुम्हें एहसास नहीं हो क्यों, क्योंकि जब तक वो वहाँ के पार्टिकल ये डिटेक्ट कर पाते कि हाँ गर्मी बढ़ चुकी आपके ब्रेन तक पहुँचा पाते उससे ही पहले रेयरफैक्शन हो गया, फील लो इस चीज़ का, बट जब मैंने बोला वाइब्रेशन हुआ कान वाले पार्टिकल यहाँ आए वो हिले, ऐसा लगा पड़े भाई जब भी तो पहुंचा आपके कान में सुनाई दिया, जब यहाँ हिलेंगे तो क्या होगा यहाँ पे हीट पैदा होगी भाई, कंप्रेशन होगा हीट पैदा होगी, पर जब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचती है ना, जब भी तो बता रहे रिएक्ट कैसे करते हो, चोट लगती है रिएक्ट करते हो बायोम बड़ा होगा, तो जब तक वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचे उससे पहले ही क्या हो जाता है रेयरफैक्शन, तो ये दिमाग को समझ में नहीं आ पाता
कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कुछ पता नहीं लग पाता, हीट बढ़ रही है या हीट, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो कहता है कुछ हो ही नहीं रहा। क्या बोलता है? कुछ ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वो ऐसा रिएक्ट करता, पर रियल में तो हो रहा है, ठीक है। ये इतनी तेज प्रोसेस है, होने से पहले ही नेग्लेक्ट हो जाता है वापस, यानी इतना तेज बिहेवियर हम देख ही नहीं पा रहे चीज़ों को, समझ रहे। जब कोई चीज़ बहुत तेज मूव करने लगे, सिंपल सी है ये तो, आगे फिजिक्स में आती भी है, इस किसी चीज़ की इतनी तेज स्पीड कर दो, इतनी तेज स्पीड कर दो, आंखों से ओझल हो जाएगी, दिखेगी नहीं। एक टाइम तो आएगा, तेज करती रहेगी करती रहेगी, ये तो देखा होगा मूवी में भी, देखा होगा लूसी नाम की मूवी है, हैं बच्चे मूवी में देखते हैं सारी चीज़ें, पढ़ता कौन है। तो जब कोई चीज़ बहुत तेज मूव करने लगेगी, बहुत तेज मूव करने लगेगी, बहुत तेज मूव करेगी, वो दिखेगी नहीं। अबे तुमने वो नहीं देखे यार, क्या ये आजकल सीरीज भी आती है, क्या होता है ये सुपरमैन, पता नहीं क्या क्या स्टार बिजली वाले होते हैं लोग, इतनी तेज भगते हैं, हाँ फ्लैश है, 6 सीजन 7 सीजन है, फ्लैश फ्लैश होते हैं, आंख पे लाल कपड़े पहन के भगता है इंसान। तो जो भी है इतनी तेज भगेगा कि दूसरे को तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इतनी तेज भग रहा है दिख ही नहीं रहा, प्रोसेस बहुत तेज है, प्रोसेस बहुत तेज है। जब तेज प्रोसेस होगा तो दिखती नहीं है, रियल में होता है पर दिखता नहीं। तो क्या पता हमारे बगल से कोई इंसान जा रहा हो, हमें दिख नहीं रहा हो, उसकी स्पीड नॉर्मल जो हम चलते हैं ना उसकी स्पीड हो 25×10^8 m/s, स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा। हंस के रहे हो, पॉसिबल है? मैंने क्या बोला भाई? 3×10^8 m/s तो हम जो चीज डिटेक्ट कर पाए हमने मानी है ना। आपके पास से कोई भी ऐसा जीव, कोई भी ऐसा प्राणी, कोई भी ऐसी चीज आपके पास रहती है, आप नहीं देख सकते, वो आपको नहीं देख सकता, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो नॉर्मल भी रहते हैं तो उनकी 25×10^8 m/s होती है, तो आपको दिखेंगे नहीं ना, वो इतनी तेज है दिखेंगे ही नहीं, पर हैं, पर हैं। और उनकी आंखें भाई, आप लाइट, सारी लाइट देख सकते हो? नहीं, आप विजुअल लाइट देख सकते हो, यानी आप भी कुछ रेंज तक ही देख सकते हो। तो हो सकता है उनकी आंखें ऐसी हो कि वो विजुअल ना देख सकती हो, और हमारी आंखें ऐसे हम उनको नहीं देख सकते, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना। अब भाई आप तुम सब कुछ देखते हो तो बता दो, नहीं देख पाओगे ना, तो यानी नहीं देख सकते ना, यानी आप सिर्फ विजुअल रेंज में देख सकते हो, यही बोला गया ना, यानी विजुअल रेंज से बाहर नहीं देख सकते। पर इसका मतलब ये थोड़ा लाइट होती नहीं है। अरे व्हाइट व्हाइट तो कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर आपने पढ़ा है, ये झूठ है, करोड़ों लाइट होती है उसके अंदर। बिल्कुल आपने तो झूठ पढ़ा है, बस मान लिया आपने कि व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, क्योंकि 7 को हम देख सकते हैं। उनका क्या, जो बेचारे को हम देख नहीं पा रहे, उनकी क्योंकि फीलिंग नहीं है, वो क्या मर जाए भाई? उनकी कदर करो फीलिंग की, उनकी भी फीलिंग है, उनकी भी लाइट है कुछ, वो बात अलग है, आप उनकी कदर नहीं कर रहे, आप उनको देख नहीं रहे। तो यही तो बोल रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो कान के पार्टिकल हिट होते हैं, कंप्रेशन होता है, हीट जनरेट होती है, पर क्या होता है अगले ही पल रेयरफैक्शन होता है। क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है, उससे पहले क्या होता है? काफी फास्ट प्रोसेस होता है, काफी तेजी से होता है, समझ रहे हो क्या? आ गया होगा। तो इन शॉर्ट कंप्रेशन हीट जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी? सराउंडिंग में नहीं गई, ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या हो गया? रेयरफैक्शन। बहरहाल ये बेसिक बात है ना, इतना आनी चाहिए। तो ना सिस्टम से सराउंडिंग में आ रही, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही, यानी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना, चेंज ऑफ हीट इज जीरो, चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ हीट इज चेंज, चेंज तो जब होगी ना बाहर जाएगी अंदर आएगी, चेंज ऑफ हीट इज जीरो, क्लियर। यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, क्या होता है? पहला, इससे पहले एक और साइंटिस्ट थे, न्यूटन। कौन थे? जब न्यूटन जी आए थे तो न्यूटन जी भी ने कई बातें कही थी। न्यूटन जी का मानना यह था कि कभी भी साउंड जो है हवा में ट्रेवल करेगा ना, तो उस वक्त टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, उस वक्त टेम्परेचर, ऐसा न्यूटन जी ने कहा। जब उन्होंने ये कहा बात, तो उन्होंने जो फॉर्मूला लिखा तो उनकी बात गलत साबित होगी, उनकी बात, यह बहरहाल उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो लिक्विड पे ठीक बैठा, सॉलिड पे ठीक बैठा, पर जब बात करी गैसेस की और एयर की तो वहां उनका फॉर्मूला गलत बैठने बैठने लग गया, वहां न्यूटन जी का। हाँ ना बोल भाई, ये टुनटुनी बजरी बंद करो भाई, बड़ा न्यूटन का तो मैंने 2 साल में 3 बार गलत कर दिया। एक बार मैंने गलत कर दिया कि न्यूटन, भला आप लोग कहते हो न्यूटन जी भी कहते थे कि जो सारे प्लेनेट से ग्रेविटी की वजह से घूम रहे हैं, मैंने उनको वीडियो में ही गलत साबित करा। आइंस्टाइन जी ने कहा था स्पेस टाइम बैंड के करके वैसे घूम रहे हैं, उसकी वजह से ब्रेड आते हैं, उसकी वजह से झुकाव की वजह से घूमते हैं। न्यूटन जी वहाँ गलत साबित हुए, न्यूटन जी आज गलत साबित हो गए। मतलब जीवन में चल क्या रहा है? मैं आया क्यों? बोझू मैं धरती पे क्या? फील है, मजाक नहीं, नहीं बेटा ऐसे नहीं, बहुत बड़ी बात है न्यूटन जी, वो तो हम एक बात कहते हैं। अरे पहले तो उन्होंने बोला, उनके जूनियर थे लाप्लास, उनके बाद में आए थे लाप्लास, स्टूडेंट थे एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। बात करें सबसे बड़ा साइंटिस्ट आपकी नज़र में कौन? बेटा मेरे लिए टेस्ला, टेस्ला बेटा, क्योंकि वो उसने, उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें करी, बहुत सारी खोजें करी थी, इतनी खोजें कि बहुत सारी खोजें, क्या बताऊँ उनकी खोजों के बारे में, बहुत ज़्यादा खोजें करी उन्होंने, यहाँ तक कि आइंस्टाइन जी भी उनको बड़ा मानते थे। बहरहाल वो थे भी, ये मेरा मानना आज, क्योंकि अब फिर लो एक इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोग सोचते हैं पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी चीज़ है,
अरे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आप स्पेस में होते ही नहीं आज। सोच के देखो ना भाई, जो भी मशीन जा रही है, जो भी आप चल ऑपरेट, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो कुछ बनती ही नहीं, बढ़ती ही नहीं आगे। सोच के देखो, कोई भी चीज आपके आसपास जो भी ग्रोथ हो रही है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल थी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी खोज है एक तरीके से देखा, अगर समाज को आगे लेके गए, चाहे पानी में अंदर खोज करनी हो, चाहे आसमान में ऊपर बढ़ना हो, चाहे कुछ भी करना हो, इलेक्ट्रिसिटी है। कोई भी चीज ऑपरेट हो रही है, जो कोई भी चीज आपको आगे बढ़ रही है, सब इलेक्ट्रिसिटी है। इवन बोतल बोतल जो भी बेंच पे, सभी बननी तो मशीनों से ही है, और मशीनें किससे ऑपरेट हो रही है? यानी वो नहीं होती तो कुछ नहीं होता। हम इंसान होते, आराम से फिजिकल वर्क कर रहे होते, इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी चीज। अब ये बोलना सर फ्यूल कितनी मस्त चीज है, फिर मैं और भी चीज बोलने लूंगा ना, फ्यूल हुआ, स्पार्क हुआ, स्पार्क हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी आई, उससे फिर हम बहुत बारिश करी, बहुत सारी चीजें। तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो बनी ना, फ्यूल से ही बनी, वो अलग बात है, पर बनी तो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बना ही नहीं पाते कभी हम, तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो मेरी नज़र में ऐसा मानना है, तुम्हारी नज़र में तुम्हारा मानना होगा। बहरहाल आगे बात करते हैं, किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव? आ गया क्या कहोगे, कितनी लंबे हमने लॉन्गिट्यूडनल को ही बोल दिया। सिंपल सिंपल बोल नहीं सकते थे क्या? पार्टिकल एनर्जी के साथ जाते बोल सकते थे, पर मजे नहीं आते। अरे आया नहीं आया? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसमें पार्टिकल आपके ऑस्किलेट करते हैं इन द पैरेलल, यानी वेव की डायरेक्शन में। ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। ट्रांसवर्स कैसे करेंगे भैया? ट्रांसवर्स अलग होती है, इसमें बात करें लॉन्गिट्यूड में कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की फॉर्म में फ्लो करते हैं, ये पॉइंट। और यदि आप कंप्रेशन होता है तो हाई प्रेशर वहां पे हीट जनरेट होती है, पर वो बाहर जाना चाहती है पर जा नहीं पाती, क्योंकि वहां पे अगले ही पल क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ लेगा, यानी चेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू जीरो। न्यूटन जी ने कहा था, ये जो प्रोसेस होता है, जब साउंड जो होता है, फील लेना, जब साउंड जो होता है आपका किसमें प्रो करता है? एयर में करेगा, तो उस वक्त टेम्परेचर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। ये उनका मानना था, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब ऐसा। कौन कह रहा है? न्यूटन जी, उनका कहना है। और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बॉयल्स लॉ आ गई। क्या आ गई? क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या होती है आपको, एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन जी, उनका मानना यह था, जब भी साउंड, मेरे वर्ड ध्यान से सुनना, जब आपका साउंड जो है किसमें फ्लो करेगा? एयर में, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर क्या हुआ? कॉन्स्टेंट। यह उनका टेम्परेचर क्या हुआ? कॉन्स्टेंट। यानी वो कहना क्या चाह रहे हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल मतलब क्या? बॉयल्स लो। आइसोथर्मल मतलब क्या? बॉयल्स लो। तो फील लो, यहां पे पहले ही बॉयल्स लो, केटीजी लग गई यहां पे, आइसोथर्मल थर्मोडायनेमिक्स लग गई। अभी सॉलिड भी आएगी, क्या आएगी? सॉलिड भी लगेगी यहां पे। तो भाई देखो, फील लो, सॉलिड लगेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी लगेगी, बल्क मोड सब कुछ करा दूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स भी लगेगी यहां पे, सॉलिड भी लगेगा यहां पे, केटीजी भी लगेगा यहां पे, थर्मोडायनेमिक्स भी लगेगा यहां पे, और ऑस्किलेशन तो लगेगा ही लगेगा, और अच्छा फिर वेव तो है ही, तो पूरी फिजिक्स लगने वाली है यहां पे। क्लियर? तो एक सिंपल सी लाइन में वापस बोला बेटा, न्यूटन जी ने कहा, जब भी साउंड आपका एयर में ट्रेवल करे, कहानी याद होनी चाहिए, जब भी साउंड किसमें ट्रेवल करेगा? तो भैया टेम्परेचर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर मीन्स कौन सा प्रोसेस? और आइसोथर्मल होगा तो कौन सी लगने वाली है? बॉयल्स लो। ये उनका मानना था। पर उनको ये जब लगा के देखा, सारी चीज करी, तो उनका रिजल्ट 18% का, लगभग 18-15% के बीच में एरर आया। तो एरर बहुत ज्यादा था, एरर बहुत। अब इतना बड़ा एरर थोड़ा दरकिनार करेंगे यार, 1-2% हो तो ठीक है, दरकिनार कर दो, पर 18-15% बहुत बड़ा एरर होता है। तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है उनसे। अब वो गलती किसको, किसने ठीक करा? लाप्लास जी ने। किसने करा? तो उसको नाम दिया लाप्लास करेक्शन। तू लाप्लास में तेरा करेक्शन कर दू, लाप्लास करेक्शन, लाप्लास है ना, पेड़ा केड़ा, पेड़ा केड़ा, पेड़ा केड़ा, केड़ा पेड़ा केड़ा, कुछ ना कुछ केड़ा केड़ा कर दे। अरे हाँ भैया, तो लाप्लास करेक्शन, लाप्लास। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, सर, भाई न्यूटन जी बहुत बड़े साइंटिस्ट है, सर आप जो कह रहे हो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा सा बस चेंज कर दो, बस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की जगह आप बोल दो हीट क्या है? कॉन्स्टेंट है। और आइसोथर्मल की जगह आप बोल दो एडियाबेटिक प्रोसेस है, फिर सही आएगा। इतनी सी बात कही सिर्फ उन्होंने, इंजॉय कर लिया और रिजल्ट ठीक आ गया। रिजल्ट क्या आ गया? ठीक। बहरहाल बिल्कुल ठीक नहीं, एरर अभी भी, आज तक भी एरर है। कोई निकल जा बच्चा, आज तक भी 100% पास नहीं आए हम, आज भी थोड़ा है एरर है, क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर में 332 मीटर पर सेकंड होती है। न्यूटन जी के हिसाब से जब निकाला तो 279 आई। कितनी आई? 279 मीटर पर सेकंड। रियल में कितनी होती है एक्सपेरिमेंटली? 332। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये तो गलत हो गया। प्रैक्टिकली कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। तो अगर लाप्लास करेक्शन जी के फॉर्मूले से निकाला तो पता कितना आया? 331.3। पूरा आया क्या ना? अभी भी एरर तो है। 331.3 मीटर पर सेकंड, और रियल में कितनी होती है? 332। तो कहीं ना कहीं 100% तो नहीं आया। और बहरहाल 100% तो पहुंच भी नहीं सकते, 100% तो, क्योंकि एरर तो रहेगा ही रहेगा। ये हमें एरर को कभी भी खत्म नहीं किया था, मिनिमाइज जरूर करा जा सकता है, ये हमने पहले ही बोला है। क्लियर? क्या एरर तो जिंदगी में हमेशा ही रहता है, पर ये इतना पास है कि अब उस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में इंपैक्ट नहीं डालेगी वो। तो लाप्लास जी सही साबित हुए। बहरहाल न्यूटन जी की जो बात कही थी उन्होंने, वो सारी बातें सही हो रही थी किसमें? सॉलिड में,
और लिक्विड में, पर गैस में बात गलत हो रही थी, तो उसके लिए लाप्लास दिया है, लाप्लास में करेक्ट करके दिखा दिया। अब एग्जाम में लाप्लास करेक्शन आता है, क्या आता है एग्जाम में, न्यूटन लॉ आती है, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं, न्यूटन फॉर्मूला, वो वाली लॉ, न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, इन एयर, ठीक है, एयर या फिर गैस बोल देगा आपको। तो ये दो डेरिवेशन एग्जाम में आती है, पहली बात। हाँ ना बोल भाई। बेटा इसके बाद में यानी ये आ गया है क्या, लॉन्गिट्यूडनल, तो पता लग गया हीट के क्या बात हो रही है सब, इसके बाद वेलोसिटी की बात होने वाली, क्या होने वाली है, पर वेलोसिटी की बात करने से पहले एक ट्रांसवर्स वेव भी तो है, पर ट्रांसवर्स वेव की बात करने से पहले आपको कुछ सॉलिड याद दिलाता हूँ। बेटा याद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स लॉ में ई आया था, याद होगा आपको, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, फिर वहां पे ई निकाला था, बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय एंड द डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता था, चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, चाहे वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता था, क्या रहता था, सेम। बहरहाल बेटा यहाँ पे सारे काम आने वाले, पहला काम क्या आएगा, ई, क्या आएगा, ई, बड़ा पहला आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पता होना चाहिए अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ना है तो, मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बड़ा फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिवाइड करता था आगे कैटेगरी में, जिनमें से एक थी यंग मॉडुलस, क्या थी, बड़ा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस और टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर बात करें बल्क मॉडुलस की वही नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनके डायमेंशन देखें तो तीनों का डायमेंशन सेम था, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। बहरहाल ये देखो आप लोग निकालना सीखो हमेशा, हमने निकलवाने के तरीके तो बताए रखे आप लोग, निकाल भी लेंगे हम तो, आज निकालेंगे अभी निकालेंगे। तो ये बात हुई तीन की, ये तीनों का काम आएगा। एक और टर्म है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ जिसका दूसरा नाम होता है शेयर मॉडुलस, क्या होता है, बेटा शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द आपका शेयरिंग स्ट्रेन, अरे हाँ भैया, यानी एफ बाई ए थीटा, एफ बाई, ये फॉर्मूले आए थे सारे, हाँ भैया, तो ये आपको आने चाहिए, ये तीनों का काम आने वाला है, नहीं आया तुम्हें। और ये भी याद होगा यंग मॉडुलस डिफाइन ओनली फॉर द सॉलिड, यंग मॉडुलस डिफाइन ओनली फॉर द, जब भी अगर मान लो मेटेलिक बार की बात हो रही है, सॉलिड की बात हो रही है, तो यंग मॉडुलस की बात होने वाली है, ठीक है। अगर बात करेंगे हम फ्लूइड की तो वहाँ पे बल्क मॉडुलस की बात होने वाली है, बल्क मॉडुलस याद है ना आपको, पानी की बात करी तो मैंने बी लगाया था वहाँ पे, ठीक है, समझाने, क्योंकि वॉल्यूम की बात आई थी, वहाँ बल्क मॉडुलस की बात होगी। बहरहाल बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड ज्यादा होता है, बल्क मॉडुलस सॉलिड का ज्यादा होता है, फिर उसका लिक्विड आता है, उसका गैस होता है, ये भी मैंने कराया हुआ है, ये सारी चीज आने वाली है काम अभी। अरे एक और चीज बोल लेते हैं सॉलिड में, अगर तुम्हें याद हो तो अच्छी तरह, कि बल्क मॉडुलस हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, एक था ई, क्या था, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेटा वो एनिमेडियम के लिए होता है, समझ रहे हो, क्योंकि उसी के अंदर तो आ रहे सारे पार्ट, अरे हाँ ना भैया, नहीं आया तुम्हें, ये सारे टेंशन याद है, टेंशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंशन, बेटा स्प्रिंग, स्प्रिंग पे लगने वाली फोर्स कॉल्ड टेंशन, जो कि कंप्रेस करना चाहती है, मिनिमाइज करना चाहती है लेंथ को, इसको टेंशन, फॉर्मूला वही जो फोर्स का होता है डायमेंशन। बेटा एक वर्ड आएगा मास पर यूनिट लेंथ, क्या आएगा, कहीं भी किधर भी मास पर यूनिट लेंथ लिखा है या फिर कुछ भी लिखा है इस तरीके से, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, उसको लिखना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, एम लिखा है पर एम को डिफाइन कर रखा है मास पर यूनिट लेंथ, तो रियल में उसका मतलब क्या है, एम बाई एल। कहीं लिखा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका मतलब एफ बाई एल, रियल में मतलब ये होता है, ये भी आना चाहिए। पहला इतना ही, इसमें सेकंड चैप्टर भी लगेगा, कौन सा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, याद दिलाओ, बेटा डायमेंशन की मदद से आप लोगों ने फॉर्मूले को ड्राइव कराए, याद है क्या, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कई बार कराए, करने का तरीका क्या है, पहले ये देखो कि वो क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल हटाओगे, के लगाओगे, ए और बी लिखोगे, राइट द डायमेंशन ऑन इधर साइड, उसके बाद क्या कर दोगे आप सॉल्व, ए और बी की पावर निकाल के और पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ऐसे करते हो, अगर याद होगा तो इस चैप्टर में भी क्रिटिकल वेलोसिटी में भी करा आप लोगों ने, है ना, स्टोक लॉ भी पढ़ी है उसमें, तो वहाँ पे सब में डायमेंशन क्यों यूज हो रहा है, अरे हाँ ना बोलो भैया, नहीं आया तुम्हें, याद झूठ बोल रहे यार, पक्का आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, ये सारी चीजें आने वाली हैं। तो बहरहाल हम पढ़ क्या रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल, बेटा पढ़नी है ट्रांसवर्स, क्या पढ़नी है, बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऑस्किलेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी पैरेलल होती है, पर बात करें अगर ट्रांसवर्स वेव की, किसकी करें, तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ऐसा नहीं होता, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, यानी पार्टिकल ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, पहली बात तो ये है ना भैया, पहली बात तो ये, तुम कभी गाने ही नहीं गाते, आओ, बेला 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 हिला छेला छेला, केला 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 छेला, तुम्हें कैसे चला, बिलो लॉन्गिट्यूडनल, आओ बड़े आगे, बेटा लॉन्गिट्यूडनल इतना ही है, लॉन्गिट्यूडनल में डिफाइन लिखनी है, एक डायग्राम भी नहीं बनाना आपको एग्जाम में, बस डिफाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, डिफाइन बस, अरे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है, ट्रांसवर्स वेव हो भी, बस छोटी छोटी डिफाइन चल रही थी, इसके आगे खींचेंगे इसे पकड़ेंगे, बड़े आगे बेटा फिले, ट्रांसवर्स वेव क्या है, अगर बात करें ट्रांसवर्स वेव की, तो बेटा लिखो पहले ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, बड़ा इसमें पार्टिकल ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, पार्टिकल ऑस्किलेट्स परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, पार्टिकल ऑस्किलेट्स
परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन. पार्टिकल ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन. ठीक है बेटा, ये ट्रांसमिशन होती है सिंपल, कठिन है तो बता दो बेटा. इसमें पार्टिकल और वेव डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, पर एनर्जी जो वो तो आगे जा रही है, एनर्जी जो वो आगे जा रही है, पर पार्टिकल का मोशन ऊपर और नीचे. स्टेडियम, स्टेडियम में जब मैच देखते हैं तो पार्टिकल तो अप एंड डाउन होते हैं, यानी इंसान तो ऊपर नीचे होते हैं, पर आगे क्या जा रही होती है, एनर्जी. वेव देखने को मिलती है ना, तो वो वेव स्ट्रिंग रस्सा. पार्टिकल क्या है, ऊपर और नीचे, पर आगे क्या जा रही है, एनर्जी. पार्टिकल नहीं आते, पार्टिकल तो वहीं के वहीं है. पार्टिकल का मोशन टू एंड फ्रो होता है, कैसे होता है, अबाउट द मेन पोजिशन, पर आगे ट्रांसफर क्या होती है, energy. कैसे होती होगी, फिर लो मान लो एक रस्सी है यहाँ पर पतली सी बेटा, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है बेटा. इस वाले पार्टिकल को हिलाया ऐसे करके, आप पार्टिकल को कैसे करा आपने, फिर लो ऐसे रस्सी है यहाँ पे, ये लंबी सी रस्सी है, आपने पार्टिकल ऊपर करा, फिर क्या करा नीचे, ऐसे करके ऐसे ऐसे कराए, तो सारे पार्टिकल आगे जो है वो भी ऐसे ऐसे करके ऐसे होंगे, अपनी जगह होंगे. अरे हाँ ना बोल भाई, तो आपने ऐसे करा, ऐसे करा, फिर ऐसे करा, ऐसे करा, पार्टिकल मोशन है टू एंड फ्रो. तो रस्सी की जितनी पार्टिकल हो, सारा मोशन क्या होगा, टू एंड फ्रो. पार्टिकल तो अपनी ही जगह रहते हैं, पार्टिकल तो अपनी जगह रहते हैं टू एंड फ्रो, पर आगे क्या जाती है, एनर्जी. पार्टिकल आगे नहीं आता, यानी आपने एक पार्टिकल को वाइब्रेट करा तो उसने अपनी एनर्जी आगे वाले को दी होगी, उसने अपनी एनर्जी आगे वाले को दी, यानी एनर्जी ट्रांसफर होती है. पर पार्टिकल का मोशन कैसे होता है, टू एंड फ्रो. अगर ऐसा है तो कौन से कहलाएंगे, परपेंडिकुलर है तो, पैरेलल है तो नहीं, पैरेलल है तो नहीं. ऐसा कहां देखने को मिलता है, स्ट्रिंग में देखने को मिलता है. क्या मिलता है, स्ट्रिंग में. ये साउंड वेव में कहीं मत लगा देना, हाँ भैया, ट्रांसफर वेव में स्ट्रिंग का एग्जांपल होगा, क्या होगा, स्ट्रिंग का, क्योंकि रस्सियों में इस तरीके की वेव देखने को मिलती है, समझ रहे हो, कहीं साउंड वेव में लगाओ सर, साउंड वेव में तो मिल ही रहा है ऐसा, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, उसमें नेचर ऐसा होता है, क्लियर, इसलिए क्लासिफाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. बेटा फील लीजिए, ऊपर देखिए ध्यान से, बोल बेटा लाला ये क्या है, कोई बॉल लगा दी, ठीक है सेलिंग होगी बेटा, यहाँ पे क्या एक रस्सी बांधी, क्या बांधी, स्ट्रिंग बांधी, ऐसे बांधो और ऐसे से कर, ऐसे से करियो, ठीक है, एक वेव देखिए, क्या देखेगी, वेव. पर सारे पार्टिकल ऐसे थोड़ा यहाँ से तूने करा, याला पार्टिकल नहीं, मेरे को तो वहां जाना है, तो यहाँ से कटके हटके अब वहां जाके जुड़ जाएगा, ऐसा होता है क्या, वो पार्टिकल तो हमेशा वही रहेगा, जब तू रोकेगा तो भी देखेगा वही पार्टिकल रहेगा. कुछ मत कर, तू ऐसे हाथ में अपने इमोजी बना दे यहाँ पे, ठीक है, दो दो टोपे लगा के एक नीचे टोपा पहना दे, ठीक है, रस्सी पे, और उसको पकड़ ले ऐसे, और उसको ऐसे कर और रोकियो, तो काला वाला निशान वही रहेगा. माले यहाँ पे निशान पेंट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, अब मस्त करके हिलाया ऊपर नीचे, अब जो रोका तो ये यहाँ पहुंच गया क्या, वो तो वहीं रहेगा यार. ऐसे तूने यहाँ पे काला कर दिया, यहाँ पे नीला, यहाँ पे पीला, यहाँ पे हरा, यहाँ पे गुलाबी, देख रहा गुलाबी सबसे साइड में भाई. तो जब तूने हिलाया और रोका तो ये गुलाबी क्या यहाँ आ जाएगा, नहीं ना, अब गुलाबी तो वहीं रहेगा, यानी पार्टिकल तो वहीं रहता है. पार्टिकल तो, पार्टिकल सिर्फ कैसे आ रहा होगा, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन करेगा, कैसे करेगा, अभी स्टेडियम का एग्जांपल याद रखो, अप एंड डाउन. पर वेव का एनर्जी क्या आएगी, आगे, समझ रहे हो क्या, वो एनर्जी दिखेगी कैसे, वेव का निर्माण कैसे, वो दिखाता हूँ. जो दिखती है आपको वेव में ऐसे उड़ती हुई दिखती है ना स्ट्रिंग में, वो वैसी दिखेगी. फिर लो बनाए भाई ये डायग्राम, आराम से फिर लो, ईजी है. गाना गाओगे, गा के दिखाओ, फिर बोलो बेला 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 बेला, नहीं बोलोगे, बोलो केला केला केला, नहीं बोलोगे, मैंने बोल दिया, मेरे बोलने से क्या होता है, मैंने तो बहुत कुछ बोला है. बड़े आगे फिर लीजिए बेटा, बेटा मान लीजिए ऐसे रैंडम कर रहा हूँ बेटा, ये मेन पोजीशन है, क्या है, मैं मान लेते मेन पोजीशन ये, ठीक है, मेन पोजीशन क्या अबाउट ही होगा, टू एंड फ्रो. अरे हाँ तो बोले यार बेटा, इसमें पार्टिकल स्ट्रिंग में बहुत सारे पार्टिकल है, एक दो पार्टिकल है, मैं किसी एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पार्टिकल की, पार्टिकल तो बहुत सारे होंगे, पार्टिकल तो बहुत सारे ऊपर नीचे हो रहे होंगे, पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देखते हैं, ठीक है, मान ले, और उसमें जब हिलाएगा तो प्रॉपर एक वेव तो नहीं बनती, ये तो बहुत सारी बनती है ऐसे करके. अरे हाँ ना भैया, तो मैं एक वेव की बात कर रहा हूँ, एक पार्टिकल को दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक को. मान ले यहाँ पे वेव जो है ऐसे करके आई और ऐसे करके ऊपर उड़ गई, दिख रही है क्या, मान ले ऐसा, हाँ तो बोल दे यार, तो ऐसे दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में चले गए, ऐसे मान ले, कैसे ले रहे तेरे को, ऐसे करके देखते थोड़ा, ऐसे करके ले ले, थोड़ा ऐसे करके ले, कोई दिक्कत किसी को, ये मान ली, हाँ इस वक्त पार्टिकल दिख रहा है क्या बेटा, मेन पोजिशन क्या है, ऐसा मान ले बेटा, इस वक्त वेव यहाँ पे दिख रही है, ऐसे मान ले ये वेव, अरे हाँ तो बोल दे यार, ये कुछ ऐसे बेटा, वेव लगातार आगे जा रही है, क्या जा रही है, आगे, तो वेव ये वेव का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव तो इस तरफ है, यानी वेव इस तरफ बढ़ रही है, पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल कहाँ, यहाँ पे इस वक्त, पर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे फिर ऊपर भी तो जाएगा, पार्टिकल का मोशन तो ऐसे है ना. तो मान लो अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या हुआ, ये वेव यहाँ से आ गई बेटा, पार्टिकल यहाँ गए बेटा, वेव आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, ये एनर्जी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, एनर्जी, यानी मान लो यहाँ का पार्टिकल जो ऊपर है, अब वहाँ का पार्टिकल क्या होगा, नीचे हो गया होगा, वहां का पार्टिकल जो ऊपर होगा वो क्या होगा, नीचे, पर यहाँ का पार्टिकल क्या हो गया, ऊपर, यानी पार्टिकल यहाँ का ऊपर हो गया तो वेव ऊपर आ गई,
यानी यहां पे देखिए, यहां पे रस्सी है नहीं, यहां वाले पार्टिकल कहां है, यहां वाला पार्टिकल यहां आ गया, यहां वाला पार्टिकल यहां आ गया, यहां वाला पार्टिकल यहां आ गया होगा, यहां वाला पार्टिकल सबसे ऊपर पहुंच गया होगा, समझ रहे। इस वक्त यहां पे जो पार्टिकल है वो नीचे है, यहां पे क्या है नीचे, और इस वक्त यहां पे जो रस्सी का पार्टिकल है इस जगह, वो वाला पार्टिकल कहां है यहां पे, यानी ये जो है ये है तो स्ट्रिंग ही। अब ये जो मार्कर जा रही है ये है क्या, ये स्ट्रिंग है, क्या है बस यहां से उठी हुई है, और यहां पे जो पार्टिकल है ये पार्टिकल यहां पे था किसी टाइम पे, अब वो पार्टिकल वहां पे, समझ रहे। तो लगातार ये एनर्जी का जा रही है आगे, एनर्जी का जा रही है आगे, अब ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया, ये वाला पार्टिकल नीचे आ गया, तो ये वाला पार्टिकल यहां आ गया, ठीक है, पर यहां वाला पार्टिकल कहां चला गया ऊपर, तो देखिए यहां वाला पार्टिकल यहां आ गया, सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं मैं बड़ा। और फिर आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये कुछ ऐसे हो गया हुआ ऐसे, अब लगातार वेव क्या हो रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव इस तरफ है, दिख रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ वेव। अब बताइए वाला पार्टिकल वापस कहां गया, यहां पे। पार्टिकल का मोशन कैसा है, बहरहाल ये टकराएगी, टकराएगी फिर नीचे से वापस आएगी, ऐसे बांधोगे ना यूं जाएगी, झटका देके वापस भी आता है, तो फिर वापस आएगी, पार्टिकल नीचे भी आएगा फिर लगातार ऊपर, तो पार्टिकल का मोशन कैसा है, और डायरेक्शन वेव ऐसी है, यानी एनर्जी ऐसे आ रही है, पार्टिकल ऊपर पर नीचे, टू एंड फ्रो, कैसे आ रहे हैं, टू एंड फ्रो, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, पार्टिकल ऊपर, यहां पर पार्टिकल है, यहां पर डायरेक्शन वेव, पता कितने डिग्री का एंगल है, 90। तो इस तरीके की वेव को क्या बोलते हैं, ट्रांसवेव। एग्जांपल क्या हो गया, स्ट्रिंग, ठीक है, अरे हाँ भाई नहीं आया तुम्हें, यार झूठ बोल रहे हो यार, कठिन तो चीज नहीं है, लपेटो, एग्जांपल के तौर पे लपेट लो इसे, डायग्राम बनाना नहीं है एग्जाम में, डायग्राम में सिर्फ डिफाइन आएगी, क्या आएगी, डिफाइन, सिर्फ पूछेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो बोलते ना दिस इज दैट और दैट इज दिस, हलवा चीज है, लपेटो, क्या बात करते हो बेटा, गेट खोलो बेटा, ये थी ट्रांसवर्स वेव, क्या थी बेटा, एक होगी ट्रांसवर्स वेव, एक होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बेटा अगर बात करें वेव की होती है, पता लग गया, बात करें वेव कितने टाइप की होती है, तो कितने बोलोगे, तीन, आपको पढ़ाई कितनी आ रही है, दो, झूठ, एक, उसके अंदर भी एक, कौन सी है, मैकेनिकल। बड़ा मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको मीडियम की जरूरत होती है, नॉन मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनकी मीडियम की जरूरत नहीं होती। कोई पूछा नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल दे दी, जो आप एग्जांपल दे दोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, उसमें कई सारी कोई भी लिख दोगे। अगर बात करें कोई मैकेनिकल वेव, उसमें एग्जांपल दे दोगे साउंड वेव। अरे भाई बड़ा मैकेनिकल वेव को दो वेव में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी में पहली क्या होती है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल बोलो, और दूसरी क्या होती है आपकी, हलनडिगाना भैया, क्योंकि मैंने दोनों बोल दिया। बड़ा बात करें लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होती है उसमें पार्टिकल का मोशन जो होता है वो वेव की डायरेक्शन में ही होता है, पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल। उसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव, क्या है, अगर बात करें इसके ट्रांसवर्स वेव की, इसमें पार्टिकल का मोशन जो है वेव की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एग्जांपल बात करें स्ट्रिंग में जो बनती है, अरे हाँ ना बोल भाई, तो पहली बात, यानी ट्रांसवर्स वेव जो है ये सरफेस पर पाई जाती है, जबकि आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव अंदर भी हो सकती है, क्या हो सकती है, अंदर, हाय नहीं नहीं आया तुम्हें याद, पहली बात तो ये समझ रहे हो, मॉलिकुलर लेवल पर पार्टिकल का गुजी गुजी करके अंदर जाकर माइक्रो लेवल पे भी जा सकती है, समझ रहे क्या, साउंड वेव जैसे जा सकती है। तो ये हो गया आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये आपका ट्रांसवर्स वेव। बेटा इसके बाद में आता है ट्रांसवर्स वेव की स्पीड भी तो होती होगी कुछ, भाई आगे जा रही है स्पीड भी होती होगी कुछ, उसको कुछ फॉर्मा भी तो होता होगा, है ना भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी कुछ फॉर्मा होता होगा। अब बात करेंगे फॉर्मे की, किस करेंगे, यानी आप देखने लो स्पीड का, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा। बहरहाल इस तरीके से आ भी गया तो आपको पता होना चाहिए किस किस पर डिपेंड करता है। अगर सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा है तो सेकंड चैप्टर में देखा होगा कि कोई चीज किस पर डिपेंड करती है, उसको डायमेंशन की मदद से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, वो तुम्हें आता है। तो हेडिंग आएगी एग्जाम में कभी कभार, आई भी और आएगी भी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच मे बी डिपेंड अपॉन द, कोई भी दो फैक्टर बोल सकते हैं, मतलब जो भी होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव के लिए फैक्टर होते हैं आपका टेंशन और द मास पर यूनिट लेंथ, दो थे, क्लियर। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड की बात हो रही है, विच मे बी डिपेंड अपॉन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पर कभी कभार यह देखा गया है कि दोनों फैक्टर देते नहीं है, दोनों फैक्टर देते नहीं है, यानी सीधे सीधे बोलते थे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव को ड्राइव कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन यूनिवर्स से, यानी बताएगा नहीं कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हो क्या, जैसे कि मान लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसमें पता है ना किस पर डिपेंड करते हैं, तो ऐसे पता होना चाहिए पहले से ही, ये नहीं एग्जाम वाले ही गिवन देंगे, ना 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 ना, आपको पता होना चाहिए किस पर डिपेंड करती है, तो ये पता होना चाहिए, है ना बोल भाई। तो बेटा पहली डेरिवेशन होती है स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, दूसरी डेरिवेशन क्या होती है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव विच मे बी डिपेंड अपॉन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला, दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब इनके अंदर हम चाहें तो दो दो तीन तीन और डेरिवेशन बना सकते हैं, और वो आप लोग कर लोगे, बताऊंगा कैसे, डायमेंशन तो आता है ना आपको, डायमेंशन एनालिसिस करना आता है, किस तरीके से उसकी मदद से सॉल्व करते हैं डेरिवेशन की वजह से, वो भी आपको आता है,
तो अब देखने वाले हैं पहले डेरिवेशन, पहले लिखो डिराइव एन एक्सप्रेशन, स्टार्ट कीजिए पहले डेरिवेशन। बड़ा पहले डेरिवेशन ये है, बेला छाओ केड़ा खाओ खाओ। बड़ा ये पहले डेरिवेशन ये है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द बड़ा स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव करे भैया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव। श्रेय आ गया, कौन से दो दो श्रेय है, डायगनल में दोनों श्रेय हुआ आ गया, डायगनल श्रेय। ए छोटो ए केवी, नींद आ रही है? नहीं आ रही, सोता नहीं है मतलब, तू सोता नहीं है? सोता है कितने बजे रात को? दिन में नहीं सोता, कभी नहीं सोता, गुड। रात को सोता है मतलब है, बट रात तो जागने के लिए होती है, सोने के लिए कहाँ, सोने के लिए तो जिंदगी होती है। ऐसा मेरी तरह नहीं है, पर मैं तो सोता हूँ बट रात को। बड़े आ गया, बड़े फिर लीजिए स्पीड ऑफ ट्रांसफर से, स्पीड ऑफ बड़ा लिखिए, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव विच मे बी डिपेंड अपॉन द विच मे बी, बेटा बेटा हेडिंग है बिल्कुल क्वेश्चन के रूप में, विच मे बी डिपेंड अपॉन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, विच मे बी डिपेंड अपॉन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग। एंड सेकेंड लिखिए बेटा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग लिख लिया, विच मे बी डिपेंड अपॉन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग, विच मे बी डिपेंड अपॉन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग। एंड दूसरा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अरे हाँ ना बोल भाई, आया ही नहीं आया, आ गया क्लियर, बड़े आ गए। बड़ा अगर वो ना भी बताए किस पर डिपेंड करती है तो भी आपको पता होना चाहिए, अब बता दिया है तो इजी हो गया। बड़े एक है फिले, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव की डेरिवेशन करनी है, फॉर्मूला क्या होता है निकाल लें विद हेल्प ऑफ डायमेंशन, विद हेल्प ऑफ डायमेंशन ये आएगा, ना भी आए तो भी डायमेंशन की मदद से निकालना आपको याद रखिएगा। बड़ा फील लीजिए और ऊपर देखिए, बड़ा स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच मे बी डिपेंड अपॉन द पहला है टेंशन और दूसरा है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसको मैं एम दिखा रहा हूं, पर मेरे को पता है एम का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, उसी के हिसाब से डायमेंशन बनाएंगे। बड़ा पहला स्टेप तो यही होता है, आपको पता है कैरी स्पीड इस और इस पर डिपेंड कर रही है। बड़ा बताओ इस पर ए लिखते थे, इस पर क्या लिखते थे, बी, ऐसे करते थे। बेटा उसके बाद इक्वल हटा के लगाओ, के क्या लगाओगे, के। बेटा टी आएगा, ए आएगा, एम आएगा, बी आएगा। इतना करने के बाद में बेटा राइट द डायमेंशन ऑफ योर साइड, दोनों तरफ डायमेंशन लिख दोगे तो बोल बेटा राइट द डायमेंशन, राइट द डायमेंशन। अरे है ना बोल, ऑन अदर साइड बड़ा वेलोसिटी है, क्या स्पीड तो है। बेटा इसका डायमेंशन क्या होगा, बेटा एम जीरो एल टी माइनस वन। बेटा एम जीरो पता क्यों लिखा, क्योंकि वेलोसिटी में एम का डायमेंशन कुछ होता ही नहीं, समझ रहे हो क्यों? तो ये वी की बात हुई, एल टी माइनस वन होता, क्या होता है एल टी माइनस। बेटा के, के कॉन्स्टेंट है, क्या है कॉन्स्टेंट, डायमेंशनलेस, ये क्या होगा डायमेंशनलेस, क्लियर। बेटा टेंशन है, क्या है बेटा, टी इज़ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन फोर्स ही तो है, और फोर्स का डायमेंशन सारे बच्चे होते हैं एम एल टी माइनस टू, है ना बोल भाई। बेटा ऊपर ए लिखा है तो यहाँ ए लिख दिया। बेटा ए क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो बेटा ये क्या है एम बाई एल, क्या है रियल में एम नहीं है, एम बाई एल है। तो बेटा इसका एम, उसका कैपिटल एल, तो एम एल माइनस वन ये होगा इसका, बोल बेटा कितना आएगा एम एल माइनस वन, और पावर कितनी है बी। बेटा ओपन करना है, इसके मजाक चल रहा है जीवन, बोल बेटा एम की पावर ए, अगले बोल एल की पावर ए, ठीक है, और माइनस टू ए, इसको इधर कर एम की पावर बी, एल की पावर माइनस बी। इतना आया है नहीं आया, बड़ा ए बेस सेम पावर है, बोल बेटा एम की पावर ए आएगा, फिर एम की पावर बी आएगा, एक एल अकेला है एक एल ही है, बोल बेटा कितना आएगा एल की पावर ए माइनस बी, टी की पावर माइनस टू ए, उम्मीद रखते इतना आ गया होगा। बड़ा इस तरफ क्या है, एम है जीरो है, एल है वन है, टी है माइनस वन है। बड़ा इसके आप कंपेयर कर दोगे पावर को, भाई उधर की पावर इधर की पावर कंपेयर करके ए और बी निकालते थे, क्या निकालते थे, यानी आपको वो चीज निकालनी जो यहाँ पे ए और बी, और निकाल के इनपुट करनी होती थी। अगर किसी को याद हो तो उसको फर्स्ट इक्वेशन लिखते थे, क्या लिखते थे, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। बोल बेटा यहाँ से कंपेयर द पावर, कंपेयरिंग द पावर, बोल बेटा एम की पावर यहाँ पे ए प्लस बी, एम की पावर यहाँ पे जीरो, तो इट मीन्स यहाँ पे लिख ले, बता बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, पहली बात। बेटा बताए अगला, ए माइनस बी, एल की पावर यहाँ पे एल की कितनी है वन, तो अगला क्या आएगा बेटा ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। बेटा तीसरा भी बोल दे, बेटा टी की पावर माइनस टू है और टी की पावर कितना माइनस वन, यानी यहाँ पे बोल दे एक काम कर यही लगा ले तीसरा, बोल बेटा क्या आएगा माइनस टू ए इज इक्वल टू में माइनस वन, माइनस माइनस ए इज इक्वल टू वन बाई टू, ए आ गया। बेटा ए के लू यहाँ डाल, वहाँ डाल, कहीं भी डाल, बात से माने वाली, यहाँ डाल दे, बोल ए के लू कितनी वन बाई बी इज इक्वल टू जीरो, तो बी कितना आएगा माइनस वन बाई टू, ये बी भी आ गया, बी भी आ गया, ए भी आ गया।
बड़ा कई पढ़ाकू बच्चे होते हैं जो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि उनको पता नहीं होता अगला स्टेप क्या करना है, वो इसे उठा के वापस से सॉल्व करने लगते हैं यहाँ डाल के। मतलब क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा, वापस से वही आएगा? अरे हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब क्यों करते हैं ऐसा, टॉपर होते ना इसलिए। तो बेटा कुछ ज्यादा करने की उनकी रुचि होती है, तो बेटा ये और ये उठा के यहाँ डाल लें, ठीक है। तो इन दोनों को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन वन, वन में डाल दो भैया, आपका फॉर्म आ जाएगा, फिर लो बेटा क्या आएगा बताओ। बेटा वी है तो वी लिख दिया, लाला बोल इज इक्वल टू क्या आएगा बता, टी की पावर ए कितना है 1/2, तो टी की पावर 1/2। बेटा फिर एम की पावर बी कितना है 1/-2, तो एम की पावर 1/-2। बेटा याद है इसका अगला स्टेप, जो माइनस में होता है उनको नीचे लेके जाते हैं, पढ़ाया था हमें सब, तो नीचे लेके आ, v इज इक्वल टू के टी 1/2, और नीचे कितना आएगा m 1/2, तुम्हें नहीं आया, झूठ बोल लो यार, आ गया आ गया। बड़ा इस पे भी 1/2, इस पे भी 1/2, तो 1/2 कॉमन, तो यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ क्या, फिर लो फिर ले। बड़ा यहाँ पे क्या है, टी ए इज इक्वल टू के, बोल बेटा क्या है, टी ए एम ए, दोनों पे रूट है, तो यहाँ पे क्या आएगा टी बाई एम, और बेटा ये v है, क्या है v, तो ये आ गया फॉर्मूला, क्या आ गया फॉर्मूला, आया नहीं आया बेटा, क्या स्पीड ऑफ ट्रांसफर से, स्पीड ऑफ, अरे नीचे वाला स्टेप उठा के वहां लपेट दिया, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, दोनों पे 1/2 है, 1/2 कॉमन आ गया पावर में, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो रूट लगा दिया। व्हाट इज टी, टाइम बोल ले लड़की, बेटा टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, बेटा स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कई बच्चे स्प्रिंग लिख लेते हैं, मैं रस्सी की बात कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ, रस्सी, फिर व्हाट इज एम, मास पर यूनिट लेंथ पता होना चाहिए, व्हाट इज वी, स्पीड ऑफ द ट्रांसफर से, क्लियर है क्या, पहली बात तो ये। अच्छा बताओ ट्रांसवर्स वेव की बात करें अगर, तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर स्ट्रिंग की बात होगी, साउंड वेव थोड़ा आएगी, क्या आएगी, स्ट्रिंग, समझ रहे हो क्या, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, नहीं आया तुम्हें। अच्छा एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की बात हो रही है, समझ रहे हो, स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग की बात करिए और उसमें स्पीड बोल रहे हैं निकालने के लिए, यही करके आओगे एग्जाम में, क्लियर है। अरे हाँ ना बोल भैया, यानी सीधी सी बात, अगर ट्रांसवर्स वेव लिखा हुआ आ जाए और स्पीड लिखा हुआ आ जाए तो यही करना है, पीछे जाए आप कुछ भी लिखाओ, समझ रहे क्या, नहीं आया तो भैया लपेट घसीट उठापटक खा लुआ चीज। बड़ा फील लीजिए, अबे लड़की का बाल मेरे पास इतना लंबा कहां से आ गया, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बेटा ऐसे बाल तो लगते ही रहते हैं। अब बेटा रोड पे चलते हैं तो कई सारे लड़के के बाल उड़ के आ जाते हैं, अपने आप ही अट्रैक्ट करते हैं, बहरहाल हाँ वही बोल रहा हूँ, वरना हम तो बाल देखो दूर फेंक दिया हमने, ठीक है। मैं क्या बोलूँ मैं अपने बारे में, छोड़ो यार, बेटा क्या बताऊं, बाल था गिर गा दिया, हट गया, खत्म खत्म, बढ़े आगे। अगला टॉपिक ये है, तेरे हाथ में क्या बोला ली, टूट गया, गुड, बहुत बढ़िया, गुड, देख रहे हो कुछ सीखा इससे तुमने, नहीं सीखा, चलो मैं बताऊंगा बाद में, एक चीज सीखनी चाहिए आपको सर स्टेटमेंट से, बड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, बंद हो जाएंगे, बेटा गोपा फोका ना भोका गोपा, तो खोपा खोपा ना करो ना भोका वोका हो जाएगा, पिले यार बात करती है। बेटा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बेटा एक डेरिवेशन ही होगी, बड़े एक होती है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ, बड़े स्टार्ट करें क्या, बड़े टी बाई एम, याद रखना ये स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है, रस्सी है, टेंशन इन द स्प्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ, घोपा भोका 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 खोपा, बात करती है लड़की, हेलो भाई ऊपर एक, बड़ा नेक्स्ट ये स्पीड, बड़ा किसकी, मेरी तुम्हारी, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ, बड़ा वो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, विच में भी डिपेंड अपॉन द टू क्वांटिटी, पहली क्या है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन क्या है, सेम है,
बेटा पहले है, फिर लो लिखो देखो बेटा, पहला क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ यानी स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव विच में भी डिपेंड अपॉन द, पहली क्वांटिटी क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा, जिसको ई से लिखते हैं। और दूसरा क्या है बताओ मेरे को? डेंसिटी, देख लो डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी वो जो था इनर्शिया जो लड़का पीछे से बोला वो तो प्रॉपर्टी थी वेव को प्रोपगेट करने के लिए, नेसेसरी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम फॉर द वेव प्रोपगेशन, वो अलग चीज थी बेटा। ये क्या पढ़ रहे हम? स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? स्पीड की। तो स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, किस पे? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे करती है, और दूसरा क्या? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी जिस भी मीडियम के अंदर वो वेव ट्रेवल कर रही है उस मीडियम की डेंसिटी, दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। व्हाट इज द इलास्टिसिटी तुम्हें पता ही है ना भैया। आगे बढ़ते हैं बड़ा, फील लीजिए पहला क्या है? स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई लिख दो, दूसरा क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, यानी आपने रो लिख दिया, आया नहीं आया बड़ा? इस पे ए और इस पे बी, कोई दिक्कत यहाँ पे बड़ा? अगला बोल क्या आएगा? वी इज इक्वल टू के आएगा, ई आएगा, ए आएगा, और क्या आएगा? रो और बी, इतना तो आ गया बड़ा। इसके वही दोनों साइड डायमेंशन लिख दो, तो बड़ा फील है डायमेंशन इधर साइड। अगला बोल क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी का क्या होता है? एम जीरो एल टी माइनस वन बड़ा, के क्या है? डायमेंशनल लेस बड़ा, ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहरहाल हमें तो डायरेक्ट पता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू पर निकालना तो आना चाहिए, तो फील लो बेटा। बेटा ई की बात करें तो ई का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है स्ट्रेस, क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बेटा। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय बेटा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन जो है आप बताओ क्या होगा भैया? डेल्टा एल बाय एल हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता भाई? डेल्टा बी बाय बी भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है, हमें क्या पता, पर इतना जरूर पता है अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्ट्रेन की बात करें तो डेल्टा एल बाय एल हो तो भी डायमेंशन नहीं होगा, डेल्टा वी बाई हो तो भी नहीं होगा। अब तुम्हें लिखवाया गया स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता बिकॉज यूनिट नहीं होती है ना भाई, तो स्ट्रेन का कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा बेटा। एफ बाई ए रहेगा क्या? अगर यहाँ डेल्टा एल बाई एल लिख भी दो तो भी डायमेंशन कैंसिल नहीं आया, और डेल्टा वी बाई वी लिख दो तो भी कैंसिल आया नहीं आया, तो यानी सिर्फ एफ बाई ए बचेगा। और एफ का क्या होता है बेटा? एम एल टी माइनस टू बेटा, एरिया क्या होता है? कैंसिल, बोल कितना आएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, पहले ही बोला था बेटा। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यही होता है, यंग मॉडुलस का भी यही होता है, बल्क मॉडुलस का भी यही डायमेंशन होता है, तो डायमेंशन चेंज नहीं होगा पहली बात। अगर मॉडुलस लग गया डायमेंशन ही आ गया, क्लियर? स्टार्ट करेंगे बेटा, फील ही बड़ा था। ई का डायमेंशन क्या है बेटा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू पावर ए, पावर कितनी? ए बेटा डेंसिटी, बच्चा बच्चा जानता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन बेटा मास का कैपिटल एम, वॉल्यूम एल क्यू, ऊपर ले एम एल माइनस थ्री, बोल बेटा कितना आएगा? एम एल माइनस थ्री, और पावर कितनी आएगी? वी, इतना आया नहीं आया। अब ओपन करना है, पावर को कंपेयर करना है, ए और बी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देने और आंसर आपका आ जाएगा। फिर लीजिए बताए यहाँ पे क्या आएगा? एम जीरो है बेटा, एल वन है, टी माइनस वन है, बताए यहाँ पे एम की पावर कितनी होगी? ए, बता अगली, एल माइनस ए, टी माइनस टू ए बेटा, एम कितना आएगा? बी, एल माइनस थ्री बी, एम वाला ये रहा, एम वाला ये रहा, बोल बेटा कितना आया? ए प्लस बी, एल वाला ये रहा और एल वाला ये रहा, कितना आया? ए माइनस का है और माइनस के थ्री बी, और टी का कितना है? माइनस टू ए, आया नहीं? कुछ छूटा तो नहीं है, देख लो, नहीं छूटा बेटा। इसके बाद पावर को कंपेयर करना, पावर को करें भाई, पावर कंपेयर, फिर लो बेटा यहाँ पे क्या? एम जीरो, एल वन, टी माइनस वन, अरे यहाँ बोल बता, एम की पावर ए प्लस बी, यहाँ पे एम की पावर कितनी है? जीरो, भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिख लेते हैं, बोल पहला क्या आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, आगे वो मैं देखता हूँ। अगला बोल बेटा क्या है? एल की पावर है माइनस ए, याद रखना माइनस है, क्या है? माइनस ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, कितना है? वन, तो बोल बेटा माइनस ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, और तीसरा क्या है? माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस, बेटा माइनस माइनस ए इज इक्वल टू वन बाई ए, तो आ गया बी, और निकाल दो यहाँ पुट कर दे एक, बेटा वन बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और बी इज इक्वल टू माइनस हाफ, बेटा ए आ गया बी आ गया, दोनों को उठा के कहाँ पुट कर दो? यानी फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे फॉर्मूला भी आ जाएगा, ऊपर देखे ए और बी को पुट कर दिया फर्स्ट में, इन फर्स्ट में, बोल जैसे रखोगे क्या आने वाला है? बेटा वी है तो वी लिख दिया, इज इक्वल टू के है तो के लिख दिया, बताओ ई की पावर ए, और ए कितना? वन बाई टू, तो ई की पावर वन बाई टू आ गया। अब बेटा पीछे डेंसिटी है, क्या है? पावर बी है, बी कितना है? माइनस वन बाई टू, तो डेंसिटी और वन बाई टू, बेटा एक आएगा नीचे, तो वी इज इक्वल टू के आएगा, ई की पावर वन बाई टू आएगा, और रो आएगा और वन बाई टू, बताओ दोनों में वन बाई टू क्या कॉमन? तो वी इज इक्वल टू के ई और रो, और पूरी पावर कितनी है? वन बाई टू, अरे हाँ ना बोल भाई, दोनों की पावर सेम थी, बताओ वन बाई टू को हटाएंगे रूट आएगा। फाइनल फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख दूँ क्या बेटा? बोलो वी इज इक्वल टू के ई बाय रो, ये किसमें आई आपकी? आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड,
रुको जरा, व्हाट इज ही बेटा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ ठीक है, व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, रुको जरा बेटे, ये फॉर्मूला जो है ना, द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर एनी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों मूव कर सकती है, समझ में? मैंने कहा अंदर भी मूव कर सकती है, मैंने बोला था क्योंकि ट्रांसफर है सरफेस पे घटती है, करती है, मैंने मेरे वर्ड थे, हाँ ना भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ई लिखा है तो फॉर एनी मीडियम के लिए, फॉर एनी मीडियम, चाहे आपका एयर हो, चाहे आपका ग्लास हो, चाहे आपका कांच हो, चाहे आपका कुछ भी हो, पानी हो, चाहे आपका सॉलिड हो, समझ रहे हो क्या, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एग्जाम है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडनल, क्या दिख गया, ड्राइव कर दोगे, ठीक है भैया, तो स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ द ई बाय रो, व्हाट इज ई, मॉडुलस ऑफ, बहरहाल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दो तरीके के होते हैं, मतलब अगर बात करें उसमें अंदर ना ज्यादा, एक यंग और एक बल्क पढ़ा है, कंप्रेसिबिलिटी फिर बाद में आया तो उसके आगे आए, वो अलग अलग करते हैं, फिर और भी चीजें पढ़ाई थी उसमें। तो हम चाहें तो इस फॉर्मूले को उन टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लिखना चाहोगे, करते हैं फिर, पहले ये लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज, ठीक है बड़े, ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ बड़े, इससे पहले कह रही है स्पीड ट्रांसवर्स वेव की, ये स्पीड है लॉन्गिट्यूडनल की, बहरहाल बड़े यहां पे जो ई लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ई बड़े, इसमें यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस भी तो हो सकता है, अगर पानी की बात करेंगे तो बल्क मॉडुलस आया, क्या आएगा, बल्क मॉडुलस, अगर सॉलिड की बात करेंगे तो यंग मॉडुलस डाल दो, सिंपल चेंज, पर ये तो हर मीडियम के लिए ही, समझ रहे हो क्या, बहरहाल हम डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, लिखना चाहें तो करें भैया, फील ले ले बेटा, बेटा मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ गया, बेटा पहले एक नोट डालो फास्ट जल्दी से, इस नोट के रूप में लिखवा दे, ठीक है सर, आओ यस, इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बड़े फिले नोट, ये बड़ा नोट है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के ऊपर, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, बात करें इसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या, तो आपने ड्राइव कर लिया है, हाँ ना बोल, पर इसको मैं अलग अलग तरीके से लिखने वाला हूं, दिखाता हूं, दो तरीके से लिखा जाता है, फिर लो बड़ा, एक होता है पहला बड़ा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव बड़ा ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, कैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना भाई, बड़ा स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है, क्या है, रस्सी की बात हो रही है, स्प्रिंग की बात नहीं हो रही है बेटा, उस वक्त जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्ट्रिंग की बात हो रही है, तो उस वक्त फॉर्मूला था v इज इक्वल टू k अंडर रूट में बेटा t होता है और डिवाइड बाय m होता है, क्या होता है m, बेटा ट्रांसवर्स वेव है बेटा, व्हाट इज t, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज m बेटा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, एक बात ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, पर फिर लो जब ये हमने t और m के टर्म में निकाला था तो यानी इन्हीं दो क्वांटिटी पे डिपेंड भी कर रहा था, यानी इससे पहले इसको ड्राइव करने से पहले हमने लिखा था v यानी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t और m, यही लिखा था क्या, यानी इसकी मदद से हमने ये ड्राइव करा है डायमेंशन की मदद से, हाँ ना बोल भाई, तो फॉर्मूले में दो भी जो क्वांटिटी दिख रही है दो, उनके मदद से हमने ड्राइव कराई, तो अगर एग्जाम में आया कि टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में कराए तो आपको पता होना चाहिए किस किस पर डिपेंड करते हैं, तो ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये फॉर्मूला होता है ना भाई, ड्राइव यहां से होता है। अब फिर लीजिए एक और तरीके से आता है एग्जाम में, बहरहाल बता रहा हूँ, है ना भाई, एक फॉर्मूला, दूसरा होता है स्पीड ऑफ ट्रांसफर से, स्पीड ऑफ इन सॉलिड, इन सॉलिड, सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है समझ रहे हो क्या, अगर सॉलिड के लिए बात करें v इज इक्वल टू में k बड़ा अंडर रूट में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ डिवाइड बाय डेंसिटी, डिवाइड बाय डेंसिटी, वो जो कि मटेरियल की डेंसिटी होगी सॉलिड की, है ना भाई, बड़ा एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ जिसको हम शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर मॉडुलस, है ना बोल भाई, बड़ा एक है डेंसिटी ऑफ द अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव और उसमें बोले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ऐसे बोल दे, ठीक है तो ट्रांसवर्स वेव, तो आप ड्राइव कैसे करोगे, वी लिखोगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, रो, पर वही बच्चा कर पाएगा जिसको डायमेंशन पता है, और कोई नहीं कर सकता, और कोई, पर समझदार बच्चा बिल्कुल कर सकता है क्योंकि आगे मॉडुलस लिखा है, क्या लिखा है, अगर ये कर सकता है तो ये भी कर सकता है, और ये भैया समझ रहे, फिर से पहले अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल की तो लॉन्गिट्यूडनल में ई आया था, क्या आया था, ई, तो वही तो मॉडुलस था, और मॉडुलस की बात करें तो डायमेंशन आप जानते हो, क्योंकि बिना डायमेंशन के कर ही नहीं सकते, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सेम फॉर्मूला देख लो बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बताओ मेरे को बेटा, अगर बात करें इसकी बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल शेयरिंग स्ट्रेन,
टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें बेटा FYA और शेयरिंग स्ट्रेन की बात करें थीटा क्या होता है पढ़ाए हुए बड़े थीटा जो है डायमेंशनलेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस एंगल इज डायमेंशनल बट इट हैज यूनिट बताया था बड़ा वही कह रहे बड़ा FYA आ गया और FYA का डायमेंशन क्या होता है ML-1 T-2 तो देख इसका डायमेंशन वापस भी वही आया तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच में डिपेंड अपॉन द पहला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और दूसरा डेंसिटी ऑफ द मीडियम तो आपको ड्राइव करना होगा फॉर्मूला और अगर ऐसे एग्जाम में आया कि द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच में डिपेंड अपॉन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो ऐसे करना है बहरहाल एक और चीज सीखोगे क्या ये क्या है बोले जरा दोबारा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ठीक है स्ट्रिंग है इज कॉल्ड इसका दूसरा नाम भी होता है इसको हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी क्या बोलते हैं इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं ठीक है कॉल्ड लीनियर डेंसिटी बेटा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉल्ड लीनियर डेंसिटी बहरहाल एग्जाम में पूछेगा नहीं पर जब ये बता दिया है ना भाई तो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में मान लो ऐसा आ गया कि द स्पीड ऑफ द साउंड विच में भी डिपेंड अपॉन द पहला हो गया टेंशन दूसरा हो गया लीनियर डेंसिटी तो कई बच्चों से लीनियर डेंसिटी क्या होती है अरे वही होता है M/L तो याद रख लो क्या सीधे सीधे बताएगा जिस पर डिपेंड कर रही है वो सादे ले लो बस खत्म कहानी हाँ ना बोलो तो बेटा ये डेरिवेशन आपको आती है अगर मैंने ये बोला है तो इसकी मदद से ड्राइव कर लोगे कर ही लोगे क्योंकि डायमेंशन आता है तो ड्राइव तो कर ही लोगे सेम मेथड तो मैं इसकी ड्राइव नहीं करा रहा क्योंकि आपने ये कर लिया तो ये तो आएगी बस क्या पता होनी चाहिए डायमेंशन डायमेंशन बताया तो तरीका तो बदलेगा नहीं वही ए और बी निकालो सेम पुट करो वो तो खुद भी कर लोगे एग्जाम में डायरेक्टली ठीक है भैया एक ये नहीं स्पीड ऑफ ट्रांसफर इसको दो तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल की किस करेंगे यानी एग्जाम में इस फॉर्म में भी आ सकता है एग्जाम में इस फॉर्म में बोल सकते ट्राई करने के लिए बहरहाल बोलेगा इसी फॉर्म में 100% क्लियर अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल तो लॉन्गिट्यूडनल में तीन आएंगे क्या आएंगी तीन तरीके से उसमें पानी की बात भी होगी क्लियर उसमें इसकी बात भी होगी सॉलिड की बात भी होगी उसमें उसकी बात भी होगी एनी मीडियम के लिए ई आएगा क्या आएगा ई यंग मॉडुलस भी आएगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें उसमें यंग मॉडुलस भी आता है और बल्क मॉडुलस भी आता है लिखने के तरीके सारे तरीके दिखा दे रहा हूं एग्जाम में तो यही आएगा और एग्जाम में तो ई वाला ही आएगा हाँ ना बोल भाई बस ये थोड़ा ज्यादा बता दे रहे आया नहीं आया लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज स्पीड ऑफ ट्रांसफर से आवाज नहीं बड़े क्या स्पीड ऑफ ट्रांसफर से की बात करें स्ट्रेस स्ट्रिंग की बात करें सॉलिड पे बात करें तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं ड्राइव करने का तरीका बताइए बड़े इसके बाद केस होता है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड ऑफ बड़ा अगर बात करिए लॉन्गिट्यूडनल वेव की तो उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी बड़ा उसमें यंग मॉडुलस भी आएगा और बल्क मॉडुलस भी आएगा हाँ ना बोल बे तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो क्या होता है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड ऑफ उसमें तीन केस होंगे कितने होंगे तीन केस ये दो केस हो गए हाँ ना बोल भाई आया ही नहीं आया तो ये हो गया एक केस कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है चलो भाई चलते हैं बेटा ये था क्या बोल लिया वाली गुड खोपा हेलो हाँ बेटा पढ़ी केड़ा बेटा केड़ा था तो कीड़ी थी केड़ा ना होता तो पेड़ा कहां से होता पीड़ा केड़ा मतलब दोनों केड़ा पीड़ा इट मीन्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के फील लो समझ रहे हो मतलब प्यार है तो कपिल सर है कपिल सर ना होते तो प्यार ना होता प्यार था तो सर थे सर था तो प्यार था जीवन था क्योंकि सर थे आगे बढ़ते भाई बेटा आगे कहने की बात है कि अभी आप लोगों ने देखा है कि स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव बड़ा आप देखोगे बड़ा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की बड़ा पहला टॉपिक क्या पढ़ना है इसमें वेलो बड़ा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना भैया फॉर एनी मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस वैक्यूम मतलब लगा देना वैक्यूम मीडियम नहीं है अरे भाई वो वैक्यूम है क्या है वैक्यूम फॉर एनी मीडियम बड़ा फील फॉर्मुला जो होता है वी इज इक्वल टू मी के होता है अंडर रूट में ई बाय डेंसिटी होता है जो कि आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्पीड निकालने के लिए आए द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव तो आपको यही निकाल के आ जाना एग्जाम में क्लियर बहरहाल अगर इसकी बात करें तो बताओ ई और रो दो फैक्टर है ये दो पे डिपेंड करता हूं ऐसे याद कर सकते हो बड़ा सेकंड क्या होता है बेटा लिख लो इन मेटेलिक बार मतलब कोई मेटल की सॉलिड कोई सीट होगी है ना भाई समझ रहे हो क्या मेटल की सॉलिड सीट होगी वो एक मेटेलिक बार है सॉलिड है ना भैया
तो उस वक्त फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, v इज इक्वल टू k, यंग मॉडुलस में चेंज कर दिया, किसमें कर दिया, अरे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग मॉडुलस भी तो आता है बेटा, ये नीचे रो लिख दिया, क्या लिख दिया रो बेटा, यंग मॉडुलस इज डिफाइंड ओनली फॉर द सॉलिड, बताया था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या रहा मैं है ना भैया, नहीं आया तुम्हें यार, बेटा एक फॉर्मूला ये बन गया, ये क्या यंग्स मॉडुलस, क्या यंग्स मॉडुलस, बेटा ये क्या आपकी डेंसिटी, बताओ यहां पे डेंसिटी किसकी होगी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, क्योंकि यंग मॉडुलस इज डिफाइंड ओनली फॉर द सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड के लिए होता है, तो डेंसिटी भी सॉलिड की होगी, समझ रहे हो क्या बेटा, यंग मॉडुलस की बात करें तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू मी नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बताओ अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें फोर्स बाय एरिया, अरे हाँ ना बोल बेटा, इसकी बात करें तो क्या होता है फोर्स बाय एरिया, बेटा ये क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, तो चेंज इन कॉन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, बेटा ये एल ऊपर आएगा, नहीं आया तुम यार, तो बेटा फॉर्मूला क्या आएगा, ये एल घूम के यहाँ आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता था यंग मॉडुलस का, अगर तुम्हें याद है तो पढ़ाया, बेटा होता है ये एल और ये डेल्टा एल है, इसका डायमेंशन निकालो, इसका निकालो, कैपिटल एल ही होगा दोनों का, तो एल से एल कैंसिल, अरे भैया स्ट्रेन का तो डायमेंशन लेस होता है यार, तो बेटा इसका डायमेंशन एल, इसका डायमेंशन एल, वो डायमेंशन कैंसिल, तो क्या आया एफ अपॉन ए, क्या आया, और एफ अपॉन ए का डायमेंशन वही होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सेम, कभी भी मॉडुलस आ जाए, वो यंग हो, बल्क हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, सबका डायमेंशन एक ही होता है एम एल माइनस वन टी माइनस डेस, अरे हाँ ना बोल, एनी माइनस टू, आया नहीं आया, तो बेटा ये एग्जाम में आए इन टर्म्स में ड्राइव करेंगे वो भी कर दोगे, तो यानी स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव विच में भी डिपेंड अपॉन द बोल दे यंग्स मॉडुलस एंड डेंसिटी, तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आना चाहिए बस, जो कि सेम होता है, आया नहीं आया बेटा, इसको तीसरे टर्म में भी आता है एग्जाम में बेटा, इन फ्लूइड देख लेना कि अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन ही आ गया स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड, तो आपको बी के टर्म में निकालना है, किस टर्म में निकाले, फिर ई के टर्म में मत निकाले, बहरहाल ई में निकालोगे काट जब भी नहीं सकता, क्योंकि फॉर एनी मीडियम है, फॉर एनी मीडियम, पर उसने इंडिकेट कर रहा है कि फ्लूइड के लिए निकालो, तो बी के टर्म में निकाल के देखो, कुछ मत करना, पूरा डेरिवेशन सेम करना, लागे एंड में बी कर देना तो भी नंबर दे देगा, पर मैं ये कह रहा हूं कि बार बार आप बी के टर्म में ही निकालो, अगर ओवर है फ्लूइड की बात होगी तो क्या करोगे, वी ये लिखोगे, बल्क मॉडुलस लिखोगे और डेंसिटी लिख दोगे ए और बी, है ना भैया, नहीं आया तो भैया बस ई की जगह बी तो लिखा है, सेम डेरिवेशन तो है, और भैया इसका जो डायमेंशन है इसका भी वो डायमेंशन, तो क्या चेंज आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो आप ए में पूरी करो एंड वाला के बी रख दो बस, अरे हाँ ना बोल भाई, तो डेरिवेशन तो एक है, फ्लूइड के लिए आया तो बी के टर्म में, सॉलिड के लिए आया तो वाई के टर्म में, और कुछ नहीं बोला तो किसी की भी टर्म में भी, यानी ई के टर्म में, है ना भैया, नहीं आया तो यार, तो बेटा अगला क्या है कि आपका क्या है इन फ्लूइड, फ्लूइड की बात करें तो वी इज इक्वल टू के, बोल के आएगा बेटा बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय रो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तो बताया, इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू मी नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब इसका डायमेंशन निकालोगे क्या आएगा आपका एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सेम ही आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करोगे उसका डायमेंशन होता ही नहीं कुछ, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल थ्री कैंसिल, आया नहीं आया, बड़ा फील लेना, डेंसिटी का डायमेंशन तुम्हें आता ही है, वापस तो सॉल्व करोगे, अच्छा इस वाले फैक्टर में अगर ये बोले ड्राइव करना है फ्लूइड के लिए तो ऐसे फॉर्मूला बनने वाला है, हाँ ना बोल भाई, ए और बी ऐसे कर दोगे, अरे हाँ भाई इसमें करें वाई और रो बनेगा ए और बी कर दोगे, ई और रो बनेगा ए और बी कर दोगे, तो तीनों की डेरिवेशन कर लोगे, खुद ही मैंने इसकी करा दी है, अरे हाँ बोल भाई, और एग्जाम में इसी की आएगी, आपको भी दो तीन बार करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार करनी है, कितनी बार करनी है, बस तीन बार लिख लेना है कि इस टर्म में ऐसे लिखते हैं, इस टर्म में ऐसे लिखते हैं, आया नहीं आया, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से कर देना है, ठीक है भैया, तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, आया नहीं आया, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या हो गया, तो स्पीड आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव में देख ली, स्पीड आपने ट्रांसवर्स वेव की देख ली, देख ली दोनों की, अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल तो वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है, अरे अभी जबकि जो ट्रांसवर्स है वो सिर्फ सर्फेस पर ट्रेवल करती है, क्या करती है सर्फेस पर, दो चीजें बताइए आप लोगों को, अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की उसमें पार्टिकल है और जो वेव की डायरेक्शन है दोनों सेम होती है, क्या होती है सेम, पर अगर ट्रांसवर्स की बात करें तो पार्टिकल ऊपर तो वेव आगे, यानी परपेंडिकुलर, क्या होती है, इतना आया नहीं आया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स, क्या बढ़ेंगे न्यूटन्स के बारे में, अब न्यूटन्स के बारे में जानना है, यानी न्यूटन ने वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, उनसे गलती क्या हुई थी, लाप्लास जी आए थे तो उन्होंने क्या बताया था, ये सब जानना है, इसे लपेटो घसीटो उठा पटको हलवा चीज, स्पीड ऑफ बड़े स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव 444 डैश और डैश फॉर एनी मीडियम, अरे फॉर एनी मीडियम, एक बात तो ये हुई बड़ा, आप इसका उद्घाटन होता है न्यूटन जी का, किसका होता है, वही न्यूटन जी जिसको हम न्यूटन जी कहते हो, है ना भैया, तो बेटा न्यूटन जी ने कई सारी बातें कही, उनमें से कई बातें थी कि जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी ये वाला जो कि हर मीडियम पे वैलिड होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू k, k की वैल्यू आप कांस्टेंट है तो, यानी e बाय रो, e बाय रो, जब ये फॉर्मूला हमने लगाया किस पे, आपने लिक्विड पे, किस पे लगाया लिक्विड पे, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है
और जो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है, दोनों क्या आ रही है, मतलब प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल और तो थ्योरेटिकल इस फॉर्म में आ रही है, दोनों ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस फॉर्मुला हमने अप्लाई करा किस पे, सॉलिड पे, किस पे अप्लाई, तो भी ठीक आ रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये वाला फॉर्मुला हमने गैस पे लगाया, किस पे लगाया, गैस पे, न्यूटन जी ने लगाया, तो गलती हो रही है। क्या हो रही है गलती, अब वो गलती क्या थी, उनको ठीक करा लाप्लास जी ने, से क्या सारी चीज़ हुई सब जानना है। थोड़ा पहली बात तो ये न्यूटन जी ने कहा क्या, यानी न्यूटन्स का फॉर्मूला, न्यूटन्स का फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ इन एयर, इन एयर, ये स्टेटमेंट आपके सिलेबस में, समझ रहे हो, बड़े यानी न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इन एयर, नॉट लिक्विड, नॉट सॉलिड, इन एयर के लिए, एयर भी आ सकता है एग्जाम में, गैस भी आ सकता है, क्लियर क्या, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड के फॉर्मूले की बात हो रही है। तो बेटा दोबारा बोल दूं, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, पर वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां पे, एयर में, गैस की बात हो रही है, सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं कर रहे हो, क्लियर है। तो सिलेबस में कौन है, गैस, क्या है, क्योंकि वो दोनों तो ठीक थे, जहां गलती है वो पढ़ रही है। अरे हाँ ना बोल भाई, तो न्यूटन जी ने ऐसा क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब भी साउंड आपका, जब मेरा वर्ड ध्यान सुन लेना, जब भी साउंड आपका फ्लो करता है यानी मूव करता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी जब साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उस वक्त टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, ऐसा कहना था न्यूटन जी का। यानी जब साउंड ट्रेवल करता है एयर में, किसमें करता है, एयर में, तो साउंड ट्रेवल इन एयर, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये उनका मानना था। और अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो गया तो प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल, ये भी उनका मानना था। और आइसोथर्मल आ गया तो बॉयल्स लगेगी। तो उन्होंने इस फॉर्मूले की मदद से एयर में ये फॉर्मूला लगाया, तो जब ये फॉर्मूला लगाया तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करा, क्या करा, वेलोसिटी ऑफ साउंड को इन एयर में, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां पे निकाल रहे हैं, एयर में, कहां पे निकाल रहे हैं, एयर में, कौन निकाल रहे हैं, न्यूटन जी। अरे यहां किस फॉर्मूले की वजह से, इस फॉर्मूले से, यानी एनीबडी है ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में निकाल रहे हैं। अरे हां ना बोल भाई, कौन निकाल रहे हैं, न्यूटन जी, क्या मानते हुए कि जब साउंड ट्रेवल करता है एयर में, ये तो क्लियर हो जानी चाहिए, एयर की बात हो रही है यानी गैस की बात हो रही है, क्लियर हो जाना चाहिए। यानी जब साउंड ट्रेवल करता है एयर में यानी गैस में, तो उस वक्त टेम्परेचर क्या रहता है, ये कहानी आनी चाहिए। और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कौन से लो, बॉयल्स लो, ये सब उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा अगर साउंड ट्रेवल कर रहा है तो भैया उसकी कुछ वैल्यू भी होगी, वो कैलकुलेट करते देखते कितनी होती है एयर में, तो उनके हिसाब से कितनी आई वो देखेंगे। और रियल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी होती है, 3.32 मीटर पर सेकंड, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, इन एयर। हम निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, हम प्रैक्टिकल को फॉर्मूला है उसमें नहीं है, वो सब हम करने कैलकुलेट करने वाले हैं। नहीं आया तुम्हें यार, करें स्टार्ट, बड़ा आइए, बड़ा न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है, हेडिंग डालो चुन्नी का ही, बड़ा फील लीजिए, बड़ा हेडिंग का नाम ये है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इन एयर। बड़े क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, मतलब गैस, गैस की बात हो रही है, हाँ ना भैया। बड़े वापस से उर्दू, सॉलिड और लिक्विड में तो इनका फॉर्मूला ठीक बैठा था, गलती आई थी एयर में, बात करें एयर की, तो एयर तो क्लियर होना चाहिए, एयर पढ़ना आपको यानी गैस पढ़नी है। अरे भैया, तो न्यूटन्स का फॉर्मूला, न्यूटन साइंटिस्ट थे, न्यूटन का नाम आ गया, फॉर क्या निकाले, वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए करा उन्हें, इन एयर और गैस में देख रहे हैं, यानी साउंड को जब एयर में ट्रेवल कराएंगे तो उस वक्त टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये आपको नोट्स पहले से ही मिल रखे हैं, ठीक है, मिल रखे हैं टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्मेट में। अरे हाँ ना बोल भाई, तो मैं कह क्या रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर और गैस, करें स्टार्ट। तो बेटा बताओ, वी नो वेलोसिटी ऑफ साउंड फॉर एनी मीडियम का फॉर्मेट क्या होता है, के ई बाय रो, ये होता है। बेटा मैं कॉन्स्टेंट कर रहा हूँ, सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, हाँ ना बोल भाई। अच्छा फील लीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी वी इन एयर कितनी होती है, 3.32 मीटर पर सेकंड, ये होती है। और हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को लगा के हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉल्व, एयर में कितनी होती है देखते हैं। तो इतनी आ भी रही है, नहीं आ रही, वो देखने वाले है ना भाई। और क्या कॉन्स्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ आनी चाहिए। तो ये बाद में भी लिख दूंगा, फर्क तो पड़ता नहीं। फिर लीजिए बेटा, यहाँ पे रखा क्या है इन्होंने, इस वक्त इन्होंने टेम्परेचर को क्या बोला है, कॉन्स्टेंट, ये उनके शब्द हैं। और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कौन सी लॉ, बॉयल्स लॉ, इतना आनी चाहिए। बॉयल्स लॉ मतलब क्या, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब आता है, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। ये सारी बातें किसने कही, न्यूटन जी ने कही, यानी साउंड ट्रेवल कर रहा है मस्त एयर में कर रहे दो, पर टेम्परेचर क्या रखो कॉन्स्टेंट, उनका ऐसा मानना था। बढ़ते आगे, बड़ा वी नो ये क्वेश्चन तो हम जानते हैं, देखते हैं फॉर एनी मीडियम के लिए। बताओ आगे बात करें, इसे क्वेश्चन बढ़ डालते, क्या डालते हैं, वन। बड़ा अगर बात करें हम आइडियल गैस इक्वेशन की, इसकी करें आइडियल, सारे बच्चे जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन,
बेटा क्या होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही होती है बेटा। वन मोल एन की वैल्यू क्या है, वन। बहरहाल नंबर ऑफ मोल फिक्स होंगे, अगर कुछ फिक्स क्वांटिटी की बात करें, एन की बात कर लेते, ठीक है, हमें तो कहीं भी डेफिनेट जगह लेनी है। बेटा एन के लिए वन कितनी है, वन। आर टी इज इक्वल टू पी वी, ध्यान से देखते रहना बेटा। क्या आर क्या है, आर की बात करें, आर तो गैस कॉन्स्टेंट है, तो ये भी एक कॉन्स्टेंट, एन भी एक नंबर है, कॉन्स्टेंट ही हो गए, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो ये पूरा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट ही हो गया। तो यानी इन पूरे को हटा के कोई कॉन्स्टेंट लिख दो, यहाँ पे सी लिख दिया, क्या लिख दिया, सी, जो कि मैंने दिखाया ऐसे कॉन्स्टेंट को सी लिख दिया। बड़ा पी वी इज इक्वल टू सी आ गया, पी वी इज इक्वल टू सी। बहरहाल इसके आगे अभी और भी करना है, अभी थोड़ा सॉल्व हुआ, हमें तो क्या निकालना है, वी, क्या निकालना है, वी। बड़ा आप दिमाग ये लगाओ, अब मेरे को ये बताओ कि बेटा पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, प्रोडक्ट रूल आता आपको नहीं आता, आता है फिर बेटा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, यहाँ पे देखो बेटा, जिन बच्चों को नहीं आता, इलेवंथ क्लास से मैथ का टॉपिक है प्रोडक्ट रूल, फिर लीजिए प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर मान लो यू लिखा डॉट वी लिखा है, क्या लिखा, यू डॉट वी, बता बेटा, पहला लिखा फंक्शन ये एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डेल्टा वी लिख दिया है ना, फिर आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस, फिर ये वाला एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन, अरे हाँ ना बोल भाई, ये इस तरीके से होगा, ये आता है नहीं आता, बड़ा सिंपल है, पहला एज इट इज, दूसरा डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव, ये होता है प्रोडक्ट रूल, 11th क्लास की मैथ में होता है, हाँ ना बोल। बहरहाल क्वेश्चन रूल भी होता है, लिमिट एंड डेरिवेटिव में होता है, इसे यहां अप्लाई कर रहे हैं, पहला पी और दूसरा वी, लगा बेटा पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा, डेल्टा पी, डेल्टा वी प्लस, बेटा इसे डीवी भी लिख सकते हो, ठीक है, अगला बोल ये एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन डेल्टा पी, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, क्या होता है जीरो, इतना आया नहीं आया, इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं इस डेरिवेशन को, फिर लिए बेटा आप यहां से कह रहे हैं, ये वैल्यू उठा के माइनस में लेके आ रहा हूं, तो बता क्या आएगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस में वी डेल्टा पी, इतना आएगा ही नहीं आएगा, बेटा इस वैल्यू को यहां लिख, बेटा पी आएगा, डेल्टा वी आएगा, इज इक्वल टू माइनस आएगा, अरे आना बोलो भाई, बेटा वी आएगा और क्या आएगा, डेल्टा पी, बेटा इसको नीचे ले जा, बेटा पी आएगा इज इक्वल टू माइनस आएगा, वी आएगा, डेल्टा पी आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, डेल्टा वी, इतना आया नहीं आया बेटा। बहरहाल मैं चाहूं तो इस वी को उठा के नीचे भी लिख सकता हूं, देख पी इज इक्वल टू माइनस लिख दे, डेल्टा पी लिख दे, और डेल्टा वी के नीचे वी लिख दे, अरे घूम के वापस ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत है बेटा, ये है तो स्ट्रेस ही, ये स्ट्रेन, स्ट्रेन ये है स्ट्रेन, बहरहाल वो बात नहीं हो रही अभी, कौन सा स्ट्रेन है, बहरहाल हमें पता वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और ऊपर प्रेशर है, तो यहाँ पे बल्क मॉडल है, क्या है, पर बल्क मॉडल आता तो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर ही है, क्योंकि मैंने बताया था ये फॉर एनी मीडियम के लिए होता है, आप इसको क्या है किस टर्म में लिख सकते हो, यंग मॉडल्स की टर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप बल्क मॉडल्स की टर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप ई की टर्म में किस लेगा, क्योंकि एनी मीडियम के लिए है। अब फिर लीजिए ये ऊपर वाला क्या है, स्ट्रेस, ये क्या है, और ये क्या है, स्ट्रेन ही तो है, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये होता है, है तो ये वो, अब किस तरीके का ये वो अलग बात है, नहीं आया तुम्हें बेटा, इसका रेशियो ई कहलाएगा विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, और ये पूरा ई तो है, हाँ ना बोल रही, तो बेटा पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ई, ना 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 बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करोगे तो माइनस कंप्रेशन दिखाता है, अरे अभी याद है तुम्हें, बता रहे थे कम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो विद नेगेटिव साइन, ऊपर देख लो, अगर दोबारा डिटेल देखना है, फिर लो क्या लिखा बेटा, डेल्टा पी, क्या लिखा है बेटा, इस वी को उठा के नीचे लेके आओ तो माइनस नहीं आए बेटा, ये डेल्टा वी तो है ही, हाँ ना बोल भाई, ये वी कहाँ आएगा, नीचे, इतना आया है नहीं आया बेटा, प्यार से फिर ले, ये यहाँ माइनस है, मैं यहाँ ला रहा हूँ माइनस ही उठा के, अगले स्टेप में देख, ये पी लिख दिया मैंने, इधर प्लस लिख दिया, क्या लिख दिया, प्लस डेल्टा पी, अब बेटा क्या है, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, अब मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, कोई दिक्कत, अरे प्लस माइनस माइनस ही होता है, कर सकता हूँ ऐसे बेटा, ये पूरी वैल्यू बोलो ना, पूरी वैल्यू क्या है तो ई, बहरहाल बल्क मॉडल्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर बेटा ये फॉर्म में बल्क मॉडल्स की टर्म में भी लिख सकते थे, बी बाय रो, बी बाय, अभी तीन तीन फॉर्म में दिखाए आपको, वाई बाय रो, बी बाय रो, ई बाय रो, अरे आया ना भैया, व्हाट इज ई, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, अरे है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही, देख ऊपर वाला क्या है, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस ही, अरे आया ना भैया, नहीं आया तो यार, और नीचे वाला है तो स्ट्रेन ही, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन स्क्वायर ई, अब वो किस तरीके का ई, अब मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग कहां से करी है, ई से किसे करी है, इसलिए मैं ई की वैल्यू निकाल रहा हूं, अगर आप बी से स्टार्टिंग करते तो भाई बी लिख देते सीधे से, बी इज इक्वल टू पी है, अगर आप वाई से स्टार्ट करते तो वाई की वैल्यू आ जाती, नहीं आया तुम्हें, समझा रहे, तो एग्जैक्ट रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, करने का किसी तरीका, किसी भी तरीके से करो, फिर ले बता पी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई, बता इसको पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है क्या, और सॉल्व करोगे आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, कहां कर दे भाई, यहां कर दूं क्या, फिर लो बेटा बोल क्या है, वी क्या है, वी बेटा इज इक्वल टू ई लिखा है ना, बोल भाई बेटा इज इक्वल टू कितना आ गया, पी, तो यहां पी डाल दो बेटा, डिवाइड में क्या है, रो, क्या है, रो बेटा, व्हाट इज पी, प्रेशर बेटा, गैस प्रेशर, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ गया 1 ATM, पढ़ाया गया तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ गई बेटा, 1 ATM की बात करें 1.05 × 10^5, अरे हां बोल बेटा, अगर प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ द एयर, प्रेशर ऑफ द एयर की बात करें कितना होता है, बोलो बेटा यहां लिख ले
बट 1.05 इनटू में 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर माइनस 2 यूनिट प्रेशर की न्यूटन मीटर माइनस 2 ये होता है बेटा पता डेंसिटी डेंसिटी मेरी तुम्हारी या गैस की गैस की बात हो रही है ना यहां पे तो डेंसिटी ऑफ द गैस नॉट वाटर मत लिख देना कहीं पता लगे सर ने चैप्टर में वाटर बढ़ाया था वाटर लिख दिया मजाक चल रहा है बेटा डेंसिटी ऑफ द गैस बेटा कितनी होती है बेटा 1.3 बेटा यूनिट क्या होगी बोल बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम तो बेटा केजी माइनस मीटर माइनस 3 ऐसा आता है बेटा केजी एम माइनस 3 यूनिट तो निकाल ही लोगे बेटा इस दोनों वैल्यू को जब यहां पे डाला और काटा पीटा और सॉल्व करा आंसर है 279 कितना आया अब पेपर में काटने मत लगना याद होना चाहिए क्या होना चाहिए इतना नहीं डालोगे फिर सॉल्व करोगे फिक्स वैल्यू याद होनी चाहिए अरे हाँ भैया तो ये सारी डाली यहाँ पे सॉल्व करी तो आंसर कितना आया 279 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी है बेटा इन कहाँ पे एयर में यानी गैस में हाँ ना बोल सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं हो रही किसकी हो रही है एयर की सिलेबस में एयर है तो ये 279 है पर रियल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती क्या एयर में 332 तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है डिफरेंस बहुत कहीं तो गलती हो गई है कहीं तो गलती ऐसा लाप्लास जी ने न्यूटन जी से कहा कुछ तो गलती हुई है सर तो उनका भाई ठीक था गलती तो हुई है अब तू ही ढूंढ ले मैं क्या मेहनत करूँ बहुत मेहनत कर ली मैंने अब तू कर ले आगे काम ठीक है तो बेटा इतनी बेसिक बात थी गलती ढूंढेंगे गलती क्या थी गलती दिख रही है वैसे तो साफ साफ अब उस गलती को ठीक करेंगे लाप्लास जी आगे आगे बढ़ो लपेटो घसीटो उठाओ बेसिक सी डेफिनेशन है बेसिक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा लपेटो इसे हाँ भाई तो पढ़ी केड़ा और ना पढ़ी केड़ा बड़ा ए लिखा है 1.05 इंटू 10 की पावर 5 प्रेशर एयर की बात हो रही है एयर की ठीक है एयर का प्रेशर बड़ा न्यूटन मीटर माइनस 2 और ये डेंसिटी ऑफ द गैस है 1.3 केजी मीटर माइनस 3 जो कि दोनों वैल्यू डाली तो 279 मीटर पर सेकंड आया और रियल एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ द वी इन एयर 332 मीटर पर सेकंड होती है और जो हमने एरर निकाला परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई करके तो निकालना आता है बड़ा माइनस छोटा देन यू गेट द जस्ट मल्टीप्लाई कर लोगे तो जो एरर आएगा वो 15 हाँ लालू बोल ये बड़े फील प्रेशर एफ वाई ए होता है हाँ भाई ये स्ट्रेस है क्या है स्ट्रेस हाँ तो बोल दे यार गुड तेज बोल थोड़ा बेटा ये क्या है स्ट्रेन क्या है स्ट्रेन भाई चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल नेगेटिव साइन क्या बता रहा था कंप्रेस हो रही थी बॉडी फ्लूइड मैकेनिक्स में आके देखो बहरहाल फ्लूइड में क्यों सॉलिड में आके देखो वहां बताया था मैंने तो यहाँ कंप्रेशन की बात हो रही है ना भैया कंप्रेशन रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर फैक्शन उनकी बात हो रही है तो कंप्रेस की बात कर रहे हैं तो माइनस डेल्टा वी बाय वी क्लियर चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ये स्ट्रेन है क्या है स्ट्रेन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अब बहरहाल ये है तो बल्क मॉडुलस पर हमने ई से स्टार्ट कराए और ये ई तो एनी मीडियम के लिए होता है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई क्लियर बेटा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई तो प्रेशर इज इक्वल टू ई आ गया ये लिख दिया मैंने यानी फॉर्मूला है सॉलिड में किस में पढ़ा था सॉलिड में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू ई और ई जो है आपका वो यंग मॉडुलस भी होता है बल्क मॉडुलस भी होता है उसमें ठीक है अगर मैं यहां बी लिखता तो यहां बी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है बी की टर्म्स भी करते हैं इस फॉर्मूले को ई की टर्म्स भी करते हैं जैसी आपकी मर्जी वैसे करो मैंने पहले बता दिया था हाँ ना बोल भाई बेटा अब आगे देखें बेटा बात करें ये 279 है कितना है 279 कहां पे बच्ची बेटा ये प्रेशर ऑफ द एयर और डेंसिटी ऑफ द गैस बेटा 279 कितनी आई है चलो भाई आगे बढ़ते बड़े सुने रिजल्ट देखें बड़ा रिजल्ट ये ऊपर देख ला लो बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो आई वो कितनी आई इतनी और फिर लीजिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वी इन एयर बेटा एस कितनी होती है बेटा 332 मीटर पर बहुत बड़ा डिफरेंस है चाहो तो इसे परसेंटेज में भी निकाल सकते हो देखना निकाल के साथ 15-18 के आसपास आएगा ठीक है देख लेना आप लोग अरे परसेंटेज निकालना तो आता है ना माइनस करके मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में वैल्यू डाल के इनटू में 10 करके तो निकाल सकते हो अगर नहीं निकालो तो भी फर्क नहीं पड़ रहा बहुत बड़ा डिफरेंस है बहुत बड़ा यानी सीधी सी बात हो तो बताइए यानी बहुत लार्ज डिफरेंस है बहुत लार्ज यानी न्यूटन ये चीज नहीं बता पाई लार्ज डिफरेंस क्यों है तो लाप्लास ने करेक्ट करा क्या करा करेक्ट इन्होंने बात क्या कही थी इनका फॉर्मूला ठीक था फॉर्मूले में गलती कुछ नहीं थी क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला लगाया था फॉर एनी मीडियम के लिए ई वाला बिल्कुल ठीक था वो पर गलती ये थी इनकी स्टेटमेंट गलती इन्होंने बोलता टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट आइसोथर्मल बस उन्होंने इतना चेंज कर दिया सर जब साउंड आपका ट्रेवल कर रहा है एयर में तो उस वक्त आपका जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं होता वो एडियाबेटिक होता है क्या होता है एडियाबेटिक अब मैंने आते ही क्लास में बताया था याद करो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशन हीट जनरेट हुई टाइम नहीं मिलता याद है मैंने बोला आज तो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है क्या होता है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव
लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो जब आपके किसी मीडियम में, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव तो किसी मीडियम में जा सकती है, और यहाँ पे किसी भी मीडियम की बात हो रही है, बार बोल रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड और गैस, पर ये जो पढ़ रहे हो ये किसके लिए, गैस के लिए, किसके लिए, दो के लिए तो ठीक आ चुकी है बात, सारी लड़ाई गैस के लिए चल रही है, किसके लिए चल रही है, गैस के लिए। तो जो न्यूटन जी ने गैस के बारे में कहा, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी, उन्होंने बोल दिया आइसोथर्मल, क्या बोल दिया, और इन्होंने क्या क्या चेंज कर दिया, एडियाबेटिक बोल दिया बस, और कुछ बोला ही नहीं, और आंसर ठीक आ गया। आंसर क्या गया, अब बताओ कैसा आया, दिखाऊंगा, लाप्लास करेक्शन, उसे क्या बोलते हैं, लाप्लास करेक्शन, यानी ये डिफरेंस आ रहा था तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एरर आ रहा था, देख लेने एक बार सॉल्व करके, 15 से 18 के आसपास आएगा परसेंटेज के, बिटो दो उसे, अरे हाँ ना बोलो भाई, बेटा यहाँ पे देख, अब है लाप्लास करेक्शन, क्या है, ला तो प्लास, तेरा करेक्शन कर दू वही, बेटा लाप्लास करेक्शन, नाम करेक्शन के बड़ा पता लग गया, साइंटिस्ट का नाम था लाप्लास। अब फिर लीजिए, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ द रेयर फ्रैक्शन, जब कंप्रेस होता है रेयर फ्रैक्शन होता है, उस वक्त जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल नहीं होता, क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये इन्होंने कहा। जबकि उन्होंने क्या कहा था न्यूटन जी ने, ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ द रेयर फ्रैक्शन जो प्रोसेस होगा क्या हुआ, आइसोथर्मल, बस ये चेंज था, क्लियर है बेटा। फिर लीजिए लाप्लास करेक्शन की बात करें तो बोले बेटा इक्वेशन वहीं से स्टार्ट करी वीनू, उसमें कोई भी गलती नहीं थी बेटा, वही के को डालो कॉन्स्टेंट कोटा के लिख रहा हूँ, ई बाय रो, ई बाय रो। बहरहाल ये इक्वेशन को कई लोग बल्क मॉडुलस से स्टार्ट करते हैं, कई लोग ई से स्टार्ट करते हैं, मैं ई से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि एनी मीडियम की बात हो जाती है पे, अच्छा लगता है। तो बेटा ई बाय रो, अब बात करो बेटा इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रोसेस होता है कैसा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, का मतलब क्या है, जब कंप्रेशन हुआ होगा तो हीट जनरेट हुई होगी, अरे भाई हीट जनरेट हुई, पर उस हीट को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बाहर जा पाए, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन, और रेयर फ्रैक्शन हुआ तो वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, तो हीट वैसी वैसी बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जाती, यानी सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग सिस्टम में नहीं जा रही, तो यानी हीट तो कौन, चेंज इन हीट क्या है, जीरो है, चेंज इन हीट क्या है, अरे ना तो अंदर से बाहर की ना बाहर से अंदर आई, समझ रहे हो क्या, क्योंकि रेयर फ्रैक्शन जब होगा तो उसे हीट चाहिए, अरे पर उससे पहले अगली बार क्या होगा, कंप्रेशन, हीट आगे ले, फिर उसे हीट देनी है, उससे पहले क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन, तो हीट जा नहीं पा रही बाहर, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, और उन्होंने क्या, आइसोथर्मल, बस इतना सा डिफरेंस। अब करते हैं बेटा फिर ले, बेटा वी नो एडियाबेटिक इक्वेशन कुछ दिन पहले सुनी होगी मेरे मुंह से, पी वी गामा इज इक्वल टू के, सुनिए क्या बेटा, एडियाबेटिक इक्वेशन पी वी गामा इज इक्वल टू के, गामा क्या है बेटा, सी पी वाई सी वी, ये होता है, अरे हाँ ना बोलो भाई बेटा। अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसे सॉल्व करा, करते हैं बेटा, बेटा वी नो, बोले यहाँ पे ले ले, वी नो बोल, एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, पी वी गामा इज इक्वल टू के बेटा, अब वापस से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना, और अब लगाना आना चाहिए, लगाओ बेटा, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, लगा बेटा क्या होगा बेटा, पी ले लो पहले, यहाँ देख लो, पी वी गामा इज इक्वल टू के लिखा है, यहाँ लगाते हैं आराम से बेटा, पहला एज इट इज बेटा, दूसरे के ऊपर पावर है क्या है, पहले तो पावर नीचे आएगी, फिर वी लिखोगे, फिर उसमें से एक माइनस वन होगा, इतना हो गया, फिर वी क्या करोगे, वी का होगा डेल्टा वी, ये होता पावर वाले को सॉल्व करने का तरीका, आता होगा, नहीं आता तो बच्चे सीखे, पावर को नीचे लिख दिया, अरे यार डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, याद है कुछ फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन होता है, और एक्स करते डॉट लगा के वन लिख देते हो, नहीं आया फॉर्मूला, तो याद है ना, वही तो कर रहे हैं, पावर जो है नीचे आ गया, एक माइनस कर दिया, उसका उसी क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, कितना आएगा डेल्टा, नहीं आया तुम यार, झूठ बोल ले यार तुम, पक्का आ गया, अब फिर ले ये इसका पूरा कर दिया, प्लस बता ये वाला फंक्शन एज इट इज आएगा या फिर इसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव होगा ये एज इट इज, तो वी गामा और डेल्टा पी और इज इक्वल टू के का क्या होगा, जीरो, आया नहीं आया, तो बेटा ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर इतनी आई है। अब इसे और करो, यहाँ लिख दो इसे उठा के, बोल बेटा क्या है, पी है बेटा, क्या लिखा है, गामा, क्या है, पी गामा वी गामा माइनस वन, और क्या लिखा है, डेल्टा वी प्लस में आपका लिखा है वी गामा, क्या लिखा है, वी गामा और डेल्टा पी इज इक्वल टू में जीरो, ये आया है बेटा, यहाँ से इस वाले फैक्टर को उठा के इधर पटक देंगे, और फिर वही पी के लिए निकाल लेंगे, किसके लिए निकालेंगे, पी के लिए, अब पी इज इक्वल टू ई आएगा, और ई की वैल्यू उठा के वापस पुट कर देंगे, देखा गामा भी आएगा बस इस बार, बहरहाल इसे लपेटो घसीटो उठा पटको, फिर करेंगे आराम आराम से, अरे हाँ ना बोल भैया, आया नहीं आया तुम्हें यार, पक्का आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के माइनस में लेके जाएंगे, और फिर पी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी जो कि ई के इक्वल आने वाला है, ई गामा के इक्वल, ई गामा के इक्वल, अरे हाँ ना बोल भाई, नहीं आया यार तुम्हें, एक काम कर दूं, इधर ही कर दूं, फिर ले बड़े एक बड़े याला फैक्टर उठा के माइनस में ले जाओ, बोलो क्या आएगा, पी आएगा, गामा आएगा, वी आएगा, गामा माइनस वन आएगा, डेल्टा वी आएगा इज इक्वल टू में, बट यहाँ पे क्या बोल बेटा, डेल्टा पी आएगा पर माइनस के साथ में, बेटा माइनस आएगा, वी गामा आएगा और डेल्टा पी आएगा, इतना आया नहीं आया बेटा, ये वैल्यू उठा के माइनस में ले गया, सॉल्व करा गए बेटा, ये पूरी वैल्यू नीचे आएगी क्या, तो पी इज इक्वल टू में माइनस आएगा, वी गामा आएगा, डेल्टा पी आएगा, डिवाइड में कितना आएगा, गामा आएगा, वी आएगा, गामा माइनस वन और डेल्टा वी आएगा, अब फिर लो इसे सॉल्व करना है बेटा, वी गामा माइनस वन, एक बात बताइए, वी लिखा है, गामा लिखा है और माइनस वन लिखा है, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, वी गामा और वी माइनस वन, अरे बेस सेम,
इन दोनों का ऐड करो यही आएगा, नहीं आया तुम्हें? बड़ा बेस सेम है, इन दोनों का ऐड करोगे तो यही तो आने वाला है। तो इसको तोड़ कैसे लिख सकता हूँ क्या? तो वही करने वाला हूँ फिर। बेटा क्या करेंगे, पी आएगा इजिकल टू मेगा माइनस वी गामा डेल्टा पी, अगले समय गामा आएगा और इसे ब्रेक करो, वी गामा और वी माइनस वाला और डेल्टा वी आया नहीं, गामा से गामा वाला कैंसिल, नहीं आया तुम्हें? बटे पी आएगा इजिकल टू माइनस आएगा डेल्टा पी आएगा डिवाइड में गामा आएगा वी माइनस वन और डेल्टा वी आएगा और माइनस वाले को इसके नीचे ले जाऊंगा ताकि स्ट्रेन बन जाए। क्या बन जाए? स्ट्रेन। अरे भैया, और भैया ये गामा दिख रहा फील, पी आएगा इजिकल टू में बोल बेटा क्या है, माइनस डेल्टा पी डिवाइड में क्या है यहाँ पे गामा, तो गामा लिख दिया, यहाँ पे क्या है माइनस वी को नीचे लिया डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। बेटा ये माइनस के साथ वैल्यू देखिए क्या है, ये ई तो है, अरे हाँ ना भैया देख अभी थोड़ी देर पहले करिए, माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, नहीं आया तुम्हें? ये है तो है क्या आपका मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी? बड़े ये क्या आ गया, पी इज इक्वल टू में गामा ई आ गया, नॉट गामा ई डिवाइड बाई गामा, बड़े इसको इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो पी गामा इज इक्वल टू क्या आया, ई। अब ई की वैल्यू आ चुकी है, कहाँ पुट कर देगा? फर्स्ट में। अब फिर सॉल्व करेंगे और गामा की वैल्यू आपको पता है सीपी बाई सीबी होती है और गामा गैस के लिए 1.41 होता है। कितना होता है? 1.41। बहरहाल बड़ा नोट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले ये लिखना लाप्लास करेक्शन, ऐसे करोगे ये वाला आपको पता ही लग गया कैसे हुआ है, यहाँ पे पूरा करके दिखाया बड़े में, बस ये स्टेप दोबारा मत कर देना ठीक है। इसके बाद में गुजी गुजी करके यहाँ आया, गुजी गुजी करके गुजा हो गया, आज कल गुजा गुजा करेंगे यहाँ पे आगे एक जगह जाके, है ना? बोल भाई लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज़ों। और एक बात का ख्याल रखना कि इसकी पूरी थ्योरी आपको पहले से प्रोवाइड करा जा चुकी है, पर इन केस अगर जब भी आप चाहते हो तो भाई क्या है, अकॉर्डिंग टू द लाप्लास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन उन्होंने क्या कहा था, ड्यूरिंग द कंप्रेशन और रेरिफेक्शन क्या हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, एक ने कहा था और एक इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द लाप्लास करेक्शन ड्यूरिंग द कंप्रेशन और रेरिफेक्शन इज एन आपका कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस ठीक है। और न्यूटन ने क्या बोला कि भैया साउंड वेव ट्रेवल टू माय मीडियम इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कितनी बड़ी बात बोल दी, यानी एक लाइन में खत्म हो सकता है, क्लियर? यानी न्यूटन जी ने कहा वो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, इन्होंने कहा वो एडियाबेटिक है, बस खत्म बात। साउंड वेव ट्रेवल करेगी एयर में से तो एडियाबेटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू लाप्लास, और साउंड वेव ट्रेवल करेगी थ्रू द मीडियम यानी एयर में से तो आपका क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया होगा। लपेटो घसीटो ढापट का हलवा चीज बेटा, ये आपने निकाला है लाप्लास करेक्शन के हिसाब से वैल्यू कितनी आने वाली है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में। बेटा चुन्नी का है, अरे हाँ मैंने जीवन में आएगी, सब कुछ आएगी बेटा, फिर बेटा ये मिटो दे क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू लाप्लास करेक्शन जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है अगर फ्लो कर रही है एयर में तो उस वक्त जो प्रोसेस होगा प्रोसेस कैसा होने वाला है, एडियाबेटिक। क्या है अकॉर्डिंग टू न्यूटन के हिसाब से प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल, बस यही बात याद रखनी है। बड़ा फील है ये हमारा था, हमने जो निकाला है ई की वैल्यू आई है पी गामा, क्या आई है ऊपर देख लो अंडे बड़े, ये वैल्यू उठा के यहां डाल दो बेटा, वी आएगा इज इक्वल टू अंडर रूट आएगा बेटा, पी आएगा गामा आएगा डिवाइड में क्या आएगा रो, बड़े पी क्या प्रेशर ऑफ द गैस 1.05 × 10^5 बड़े प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस बड़े होता है 1.05 × 10^5 न्यूटन मीटर माइनस टू। बात करें डेंसिटी की, द डेंसिटी ऑफ द गैस वही सेम बड़ा 1.3 kg m − 3। बात करें गामा की, बड़ा गामा फॉर गैस की बात करें 1.41 होता है, कितना होता है, अरे हाँ ना बोल भाई, बड़ा गामा का फॉर्मा कितना होता है, सीबी बाई सीबी। तो ये सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है जो सारी बता दी, ये सारी वैल्यू आ गई। बड़ा इन वैल्यू को उठा के यहाँ डाला, सॉल्व करा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में जो आई ना वो 331.3 m/s आई, बताइए क्या बहुत पास है, बता एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या बोला है, बता वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर अकॉर्डिंग टू या बाय द लाप्लास कितनी आई, 331.3 m/s। पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली होती है यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वी इन एयर बता कितनी होती है, बड़ा 332 m/s, पास आई है दूर आई है, पास काफी पास है, तो ये ठीक थे, हाँ ना बोल भाई, पहली बात तो ये आगे आएगा। बड़ा इसके बाद होते हैं इफेक्ट, क्या होते हैं इफेक्ट, यानी इफेक्ट अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, अगर डेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड कम हो जाएगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ द साउंड बढ़ जाएगी, अगर विंड के साथ में साउंड फ्लो कर रहा है तो बढ़ जाएगी स्पीड उसकी, विंड के अपोजिट कर रहा है तो कम हो जाएगी, है ना बोल भाई। तो ऐसे टोटल करके प्रोसेस प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होगी, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होगी वेलोसिटी। तो मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं, पूरी क्लास में डिटेल की वाली बात है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इफेक्ट ऑफ साउंड ठीक है, मतलब साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड के पांच इफेक्ट होते, कितने होते, पांच, पहला इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फलाना, एक इफेक्ट बताना। तो फिर लो मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, पहला
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड. बेटा दूसरा बेटा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी. बेटा डेंसिटी की बात करेंगे तो इन्वर्सली होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड के. बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड. तीसरा बेटा इफेक्ट ऑफ, बोल बेटा किसका, ह्यूमिडिटी ले लेते हैं एच. ठीक है बेटा एच की बात करें तो एच की डायरेक्टली होती है क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड. एक और ले लेते चौथा बेटा बोल क्या लेगा, इफेक्ट ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ विंड. देख हवा इधर जा रही है, साउंड भी इधर ही आ रहे हैं, तो विंड भी इधर साउंड भी इधर, बता स्पीड बढ़ेगी कम होगी, स्पीड बढ़ेगी है ना, बोल एक ही होता है, उल्टा करोगे डिक्रीज हो जाएगी. चौथा अब पांचवा क्या होता है, पांचवा लास्ट, पांचवा ये होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट. क्या होता है, व्हेन द टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है बहरहाल इन सारे प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना दिया आपको, यानी इफेक्ट पढ़ने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ आपका एच, इफेक्ट ऑफ आपका रो, ये सारे पढ़ोगे ठीक है डिटेल में. बहरहाल यहाँ पे ह्यूमिडिटी का डायरेक्टली क्यों हो गया, क्योंकि ड्राई एयर होती है, कंपोजिशन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर होता है, रिप्लेस करते हैं, सब कुछ पढ़ोगे, पर ये शॉर्ट में तो पता होना चाहिए अभी के लिए. नेक्स्ट क्लास में इन ही पांच प्रोसेस को डिटेल में, और फिर बीट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, बीट पढ़ेंगे और स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है. पर आज के क्लास के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल. पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों. आगे हम तुम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे. और वो बच्चा क्या था बड़ा, पढ़ी केड़ा ना केड़ा केड़ा तुम्हारी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चों जो तुम्हें करना है कुछ तो कर डालो जल्दी से. हलवा जी बहरहाल धन्यवाद.